जाने से पहले मुझे चला दी गई थी मानो या दौड़ किया सर्वे में देखी टाइम टाइम आज की उस ग्रुप के लिए और जो बातें बहुत है कार्यक्रम सर्वे जिंदगी पर या लाइफ स्टाइल पर अपने जो आपकी एजुकेशन है जो आपकी क्लास है उससे अलग भी आप कुछ जो मैं लेक्चर भी देते हैं या पढ़ते हैं और सबसे अहम बात यह है कि आज के स्टूडेंट रैशनल है अगली तौर पर बात को समझना चाहिए इसलिए नहीं कि कुछ लोगों ने बता दिया कि हमें कैसे रहना चाहिए तो इसके फिर में वैसा कोई लेक्चर नहीं होगा और मैंने हमेशा ये भी किया है बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी जहां जहां जब जब कोई बात की तो हमेशा अपनी लड़ाई की नेशनल आर्गुमेंट के साथ से बात की सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं ये कह दूं कि आपके इस्लाम में कह रहा है इस्लाम में क्यों कह रहा है क्या ये ही सही है सही तो होगा लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि नहीं है सर्वे जिंदगी या लाइफ स्टाइल है बहुत ही वक्त आपको अपने घर वाले पेरेंट्स बताते वाले के कहते रहे हरी के घर के अंदर जो भी माहौल है उसके हिसाब से कोशिश करते कि खलीफा दिखाए आप कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करते तो बहुत सी बातें हैं जिनको मैंने आपसे कहा कि वाले पेरेंट्स आप को जगह जगह टोकते हैं बताते हैं कि खलीफा क्या है अच्छी बातें क्या है नहीं ऐसा मत करो ऐसा क्या करो बहुत सी चीजें ऐसी है जो आपके साझेदार टीचर्स बताते हैं बहुत सी चीजें वो आपने डायरेक्ट अभी उस जगह पर उस स्टेज पर अपने स्टडीज के उस स्टेज पर शायद आपने से ज्यादातर न पहुंचे हो लेकिन बहुत सी बातें कुछ कुछ जो बताते हैं वो उन्होंने पढ़ी है साइकोलॉजी में इवन अभी आपने साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि बच्चों से कैसे बात करना चाहिए बच्चों को क्या समझाना चाहिए क्या क्या लाइफ स्टाइल हो उसके अपने ध्यान रखें और एक समझ जाए उनके अपने मशवरे हैं और ख्याल कैसे जिंदगी गुजारे जो समाज का या सोसाइटी का हम एक क्रिएटिव एक तामीरी हिस्सा बन जाए ये अलग अलग राय है जो आती है और वो जो एक्सपर्ट की और माहिरीन की जो राय है वो कुछ आपके वालदैन की और ये सब मिलने के बाद एक कंफ्यूजन पैदा कर करें क्या कोई हमारे भी ये आज के आप लोग सोचते हैं मैं जानता हूं इसलिए मेरा होता है इंटरेक्शन स्टूडेंट से बच्चों वो सोचते हैं कि हमारी भी कोई राय है कि नहीं सिर्फ वही करें जो इन्होंने वालदैन जो बता रहे हैं अपनी भी तो कोई हम इस जगह पर आ गए थे स्टेज पे आ गए हमारी कोई राय होनी चाहिए तो यहाँ आपको अखलाकियात के ऊपर मोरालिटीज के ऊपर कोई लेक्चर देने वाला आएगा तो कहेगा नहीं नहीं हर हालत पे वाले का कहना मान बस इसी की बात कर लेकिन कहना तो फिर ये भी है ना यह भी इस्लामियात का या आपके यहाँ जो कोई भी पीरियड होता होगा कुरान से मुताल्लिक जो बातें होती हैं दीन से मुताल्लिक जो बातें होती हैं उसमें यह बताया जाता है कि आपको हर हालत में जो अल्लाह ने फरमाया जो रसूलुल्लाह ने फरमाया बस वही मानना है वैसे चलना है सवालात अंदर के बहुत से ऐसे होते हैं जो घुट जाते हैं मेरा बहुत रास्ता है इस लस्ल आपकी एज के बच्चों से और आप जो कम्युनिकेशन गैप है इस दौर के अंदर और हर दौर में रहा ये एज ऐसी है जो आपकी है कि इसमें उन सारी बातों से अलग के हर एक के अपने अपने ख्याल आ रहे हैं हर एक आपको लेक्चर दे रहा है उससे अलग ये उम्र ऐसी है कि जहां पर सवालात जहन के अंदर पैदा होते हैं उन सवालात में अपनी शनाख्त अपनी शख्सियत अपनी आइडेंटिटी को डिस्कवर करने के लिए मैं कौन हूं ये
किस तरफ जाऊंगी, अलग अलग तरफ, अलग अलग संतों के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में खींचा जा रहा है। फिर बताया गया कि वैसे कीजिएगा जैसे अल्लाह अल्लाह के रसूल ने बताया। आप यहाँ पर अगर मुस्लिम तलबा होते तो मैं उनकी बात भी करता, ये मालूम है इस तरह मुसलमान तलबा, तो इसलिए आपसे सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ। लेकिन बड़े बड़े बहुत से गैर बताए के लोग मुझे बुलाते हैं वहां बात करने के लिए। अब ये बताया जाता है ये सुन लीजिए और सुनकर मान लीजिए। पुरानी जो जमाने के या पुराने दौर के जो लोग थे आपसे एक नस्ल और उससे भी एक नस्ल पहले तक, वो सिर्फ वही करते थे, वैसे ही करते थे जैसे उनके बड़े उन्हें बताते थे, और वो ये चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही हो कि जैसे हम बताएं वैसे ही बच्चे करें। इसलिए कि उन्होंने खुद वही किया कि बड़ों का कहना माना, अब वो चाहते हैं कि आप उनका कहना माने। मुसलमानों में एजुकेशन की, मॉडर्न एजुकेशन की कमी थी। मॉडर्न क्यों थी, एक बड़ा एक ट्रेजिक एक अलमिया है, ट्रेजिडी है कि क्यों थी। इसलिए कि यहां तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 300 साल बाद सातवीं आठवीं सदी नवीं सदी में दुनिया के साइंटिस्ट में से 90% 90% मुसलमान थे इस्लाम के मानने वाले। वो एक ही किसी एक डिसिप्लिन के नहीं बल्कि मल्टी डिसिप्लिन साइंटिस्ट थे। वही जबरदस्त मैथमेटिशियन भी थे, वो जबरदस्त बड़े बहुत बड़े तबीब भी थे, डॉक्टर भी थे, बायोलॉजिस्ट भी थे। वही एक ही आदमी बहुत बड़ा फिजिसिस्ट भी था। ये इतने बड़े बड़े इतने जबरदस्त स्कॉलर्स जो दुनिया के अंदर गुजरे तीन सदियों तक, दरमियान में एक दौर ऐसा भी गुजरा कि दुनिया में जो टॉप साइंटिस्ट 11 दुनिया में 131 लोगों के जो टॉप साइंटिस्ट थे उसमें सिर्फ 11 गैर मुस्लिम थे पूरी दुनिया में, और वो 11 के 11 इस्लामी यूनिवर्सिटियों के तालीम याफ्ता थे। हमारी ट्रेजिडी है कि क्यों कैसे वो मैं नहीं कह रहा। आगे जो दौर आया उसमें कहीं संत बदल गई, डायरेक्शन बदल गई, बताया गया कि ये दुनिया और चीज है, दीन का इन कुछ और चीज है, दुनिया का इन कुछ और चीज है, और वहां से ये दो हिस्से अलग अलग हो गए। तो फिर जो लोग दीन का ही माफिल करते थे उन्हें रोका जाता था कि ये शैतानी चीजें हैं, इनसे बचो। हम यहां पर हमारी जो नस्लें यहां पर आपसे पहले उससे और पहले, वो एजुकेशन तालीम बहुत कम थी मुसलमान को, इतना ताबनाक इतना दरक्षा इतना हमारा आपका पास ये माजी रहा। इसकी वजह से जब ये मॉडर्नाइजेशन जब दोबारा आई और उसके अंदर मुसलमान अब दाखिल होना शुरू हुए, अभी काफी नहीं है जितना इनको अपने आप को डेडिकेट करना चाहिए, या जितने वालदेन को या जितने मुसलमानों को अपने बच्चों को भेजना चाहिए तालीम हासिल करने के लिए, वो दूसरों से भी बहुत पीछे है। लेकिन अब आने लगे, मॉडर्न एजुकेशन अपने साथ रैशनैलिटी लाती, सवाल करना, आंखें बंद करके नहीं मानना। एक रिसर्च स्कॉलर खड़ा होता है, उसने तहकीक की, रिसर्च की, और उसने कहा कि न्यूटन के ये लॉ जो है इसके अंदर मॉडिफिकेशन की जरूरत है। उससे कोई ये नहीं कहता दुनिया में कि आपकी क्या औकात है, क्या हैसियत है, ये न्यूटन के ये फादर ऑफ द मॉडर्न साइंस है, बाबा जदीद साइंस। आप कहेंगे कि इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, उनसे प्रूफ लिया जाता है, एविडेंस। और अगर वो एविडेंस ऐसे हो, सबूत ऐसे हो कि जो उसको वो साबित कर सके, तो फिर वो मान लिया जाता है और वो मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो साइंटिफिक अप्रोच ये है, और करो किसी चीज के ऊपर सोचो, सही है तो पुरानी चीज में तरमीम कर लो, उनकी इज्जत रहेगा। न्यूटन के करीब करीब जी जो फादर ऑफ द मॉडर्न साइंसेस, करीब करीब सारे लॉज मॉडिफाई हो गए तकरीबन,
उसके बावजूद इज्जत आज बाकी है, बाबा जदी साई वो इज्जत है भी बाकी, लेकिन जो चीज सही होती है उसे इख्तियार करते चले जाते हैं। अगर कोई सही चीज आए ये सोच और वो सही का मतलब हम उसे साबित कर सके, हमारे समझ में आ सके, ये सोच मॉडर्न एजुकेशन के साथ आती है। तो फिर और बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत से कंफ्यूजन और बहुत सा दैनिक इंतजार फिर पैदा होता है, इसलिए कि घर वाले कहते हैं कहीं पर और मस्जिद में जाते हैं वहां इमाम साहब कहते हैं आपसे कुछ बातें, आपके जहन में अपने सवाल आते, बात इस जगह तक पहुंचती है, मेरे साथ गुजरी है। मेरे अपने जहां पर मैं स्टूडेंट था जब मैं पढ़ता था, मैं वो बातें आपके सामने रख रहा हूं। हमारे दौर में हमारी एज में बहुत कम ऐसे होते थे जो मैंने फैसले किए अपने लिए, जहन में ये सवाल अब आते हैं, घर वालों को नहीं मालूम होता क्या खुदा सचमुच है या हमने बना लिया। बड़े दीनदार घरानों के बच्चों के मुझे मालूम है, मेरे पास आते हैं मुझसे कह देते हैं, वहां नहीं जाते ना अपने घर वालों से कहते हैं और ना उनसे जाकर कहते हैं वो मौल साहब से, इसलिए कि वो तो फिर तौबा कराएंगे, खबरदार ऐसी बातें मत करना। बातें जबान से ना निकाले, जहन में तो आती है ना, उसके जवाब मिलने चाहिए। आज के स्टूडेंट्स आप लोग, आज की नस्ल जवाब चाहती है, वो जवाब नहीं मिलते तो अब लहर चल पड़ी जगह जगह एक्स मुस्लिम्स की, इस्लाम में से निकल गए, इस्लाम में से निकलकर उन्होंने खुद इस्लाम की खामियां बतानी शुरू कर दी, इस्लाम में तो नहीं है खामी, कहीं वो समझा कुछ मसाइल को गलत किया था, मिस इंटरप्रिटेशन थे। जब वो दीन का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर जो रैशनली सोचते हैं लॉजिकली सोचते हैं उनको परेशानी शुरू होती, ये ऐसे तो नहीं माना जा सकता। अब वो दौर गया कि जब हम आंखें बंद करके मान लेते थे, हमें सबूत चाहिए, हमें एविडेंसेस चाहिए। तो ये सोच बड़ी अच्छी है, ये दीन की सोच है, ये खालिस दीन की सोच है। कुरान दुनिया में एक ऐसी किताब है जिसमें अक्ल इस्तेमाल करने की जितनी जगह ताकीद है, और फिक्र करना अक्ल इस्तेमाल करना, पूरी इंसानी तारीख में कोई मजहबी किताबों की बात खाली नहीं कर रहा, कोई छोटी पतली मोटी चाहे दुनिया की जिस जबान में हो, पूरी इंसानी तारीख में कोई किताब उठा रही है इतनी जगह ये ताकीद नहीं मिलेगी आपको जितने कुरान में है अक्ल इस्तेमाल करने की और गौर फिक्र करने की। उसके मानने वालों को यह कहा जाए कि नहीं आंखें बंद करके मानो, मानते थे। अब वो दौर आया कि अब ये अपने जहन में सवाल आते घर पर अपने नहीं कहते। मैं थोड़ा सा आगे चला गया था, मैं फिर वापस आ रहा हूं इसलिए कि मौजूद ये टॉपिक था तर्ज जिंदगी। वो तर्ज जिंदगी भी बात यह है कि भाई इस्लाम ये बताता है खाना कैसे खाएं, सोए कैसे, चले कैसे, बातचीत कैसे करें, और जिंदगी के दूसरे हर शोबों के अंदर हमारा एटीट्यूड क्या हो। तो इस्लाम हमें ये बताता है, ये बताया जाता है। जब सवालात, जब उंगलियां इस पर भी उठनी शुरू हो जाए कि ये इस्लाम क्या है, अल्लाह का दिया हुआ दीन, अल्लाह का वजूद भी है कि नहीं है, यहां पर जो बड़े हैं उनको अजीब लगे मुमकिन है ये बात, लेकिन मेरे साथ में इतना इंटरेक्शन होता है, मैं इतना जानता हूं इस बात को कि बहुत दीनदार घरानों के बच्चे, उनके जहनों में ये सवाल आते हैं और वो बेचैन होते हैं, और उनमें से फिर बहुत से उन रास्तों के ऊपर निकल जाते हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था, या अगर उन्हें वक्त पर सही जवाब मिल जाते, या इस शहर से हैदराबाद से कम अज कम दो लोग, एक अभी साल डेढ़ दो साल पहले, एक और 10-15 साल पहले एक साहब आए, बहुत सिफारिशों के बाद, बहुत दिनों के रबते के बाद सालों के मेरे साथ उनसे साहबदादे से बात कर ली थी, अब वो 20-22 साल के 20-25 ईयर्स की एज के इन दोनों में से, ये अब ये कहने लगे ये दिन को नहीं मानते, साफ इन्होंने बगावत कर दी, घर वालों का इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं ये नहीं मानूंगा, मेरी अपनी जिंदगी है और मैंने तय कर लिया और मैंने समझ कर फैसला किया है इस्लाम या दीन या खुदा ये सब नहीं है। अब वो जब इतने जब
फैसला कुल अंदाज में घर में खड़े हो जाते हैं, तो उनको तलाश होती है कौन समझाए, वो जिनके पास लेकर जाते हैं उनको मजाक में उड़ा देते हैं, जिनके पास लेकर जाते हैं उनसे वो अपने सवालात रखते हैं, उनको आदत यह है कि उनसे कोई वो जो कुछ कहे वो घट से मान ली जाए, उस पर ही अपने सवालात उठाते हैं, नहीं इत्मीनान होता, फिर वो तलाश करते हैं जगह जगह। उस तलाश में दो लोग कम अज कम या हैदराबाद के ऐसे हैं जो अपने साहबजादों को लेकर मेरे पास आए, बहुत कहा भी था कि कोई एक मुलाकात में कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं मिल लीजिए। तो बात यह है कि ये फिर खुलती बाद में, पेरेंट्स को बाद में मालूम होता है, और बात गलत नहीं है, सवालों का उठना गलत नहीं है, सवालों के जवाब नहीं मिलना गलत, इस वजह से रास्ते जो है वो बदल जाते। फिर ये कहना कि भाई आपको अल्लाह ने ऐसे बताया तर्ज जिंदगी ये हो, मैं उस पर आज बात नहीं करूंगा, आज जो कुछ बात करूंगा वो कि आमतौर से क्या है, रैशनली अपनी तौर पर होना क्या चाहिए। देखिए मैं अब जो कुछ मैंने आपसे कहा उस मौजूद पर मैं शुरू कर रहा हूं बात। ये एज ऐसी है आपकी, जब ये क्वेश्चंस और कंफ्यूजन शुरू होते, जहां इसे कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, यहां ये सवाल भी आते कि मैं क्यों हूं यहां पर, मकसद क्या है, और फिर वो सवाल कहीं छुप जाता है, जवाब नहीं मिलते, करना क्या है मुझे, अब जब मकसद नहीं मालूम तो करना क्या है, एजुकेशन है, पढ़ना है, क्या बनना है, आईएएस बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, मकसद इधर आ जाते हैं, वो मैं कौन हूं फिर वाली बात जो है वो कहीं छुप जाती है, आती है बहनों में, लेकिन फिर वो दब जाती है और बात यहां पर आ जाती है कि मुझे क्या बनना है, यहां पर क्या बनना है मुझे। अब उसके अंदर भी पेरेंट्स का हिस्सा ज्यादा होता है कि नहीं नहीं ये नहीं, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, मेरी दिलचस्पी नहीं है, मैं ये चाहता हूं, मैं इसमें मैथ्स के में जाना चाहता हूं, मेरी दिलचस्पी जो है मैं उसके अंदर सोशल साइंसेस के अंदर जाना चाहता हूं, नहीं डॉक्टर बनाना है, तो वो ले जाने के बाद फिर उधर ये कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ये टेंशन्स पैदा करती है ये चीज। एज ये है अभी कि आपको हर हालत में पेरेंट्स की माननी, ये तो अखलाकी बात है, मानना चाहिए, लेकिन अभी मजबूर है मानने पर, इस वक्त तो मजबूरन मानते हैं, खर्चा यही उठाते हैं, यही पढ़ने के लिए भेजते हैं, यही आपका बाकी खाने कपड़े का भी यही करते हैं, अभी अभी मानने पे मजबूर भी है। उन्होंने कहा कि ये करना है, इस तरफ चले गए, ये चीजें जो है ये टेंशन तो स्ट्रेसेस पैदा करती है, तो तरह तरह के क्राइसिस होते हैं। फिर आपस में जब डिस्कशन होते हैं, और अभी एक साल बाद और आप कॉलेज में आएंगे आप में से कुछ लोग, तो जो कॉलेज में आएंगे वहां पे और आगे के लेवल के डिस्कशन होंगे, वो बच्चे भी ऐसे ही माहौल में तैयार होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए, कैरियर की बात तो अलग है, लेकिन ये कुछ लोग उसमें सोच समझ कर फेमिनिज्म की तरफ जाते हैं, औरतों की आजादी की तहरीक की तरफ, कुछ उसमें से सोच समझ कर कम्युनिज्म की तरफ जाते हैं। अब ये वो एज होती है जहां पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट होना तो स्टार्ट हो जाते हैं, उस एज के अंदर ये वालदेन चाहे खर्चा आप भी वही उठा रहे हो लेकिन घर से नहीं निकालते या सख्ती नहीं कर पाते, तो फिर अपनी अलग अलग लाइनों पे उस वक्त निकलना शुरू होते हैं। जो कुछ ये बड़ा खतरनाक इसलिए होता है कि वो चंद जिन लोगों के साथ में मिले हैं, वो जो कुछ उनके जहनों में उन्होंने फीड कर दिया है, वो उस तरफ इसलिए जा रहे हैं। तो फिर इस एज के अंदर जब ये इतने स्ट्रेस है और इतने टेंशन है, हमने कभी हमारे बचपन में और जो यहाँ पर बड़े हैं वो भी आपको बताएंगे, इट वॉज अनहर्ड ऑफ, सोच भी नहीं सकते थे, तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि बच्चे सुसाइड करते, बच्चों ये सुसाइड टेंशन की वजह से होती है, फिर प्रेशर वो पति होता है कि अच्छे ग्रेड्स लाने। अब आगे फिर एज बदली, वो टीवी के दौर के बाद इंटरनेट एज आ गई, ये इंटरनेट एज जो है ये पूरी दुनिया से जगह जगह से अब आदाद शुमार डेटा आ रहे हैं कि इस वक्त की पोजीशन ये है कि करीब करीब एक तिहाई यंगस्टर्स एडिक्ट हो गए, बहुत अच्छी चीज थी यूज करते, फायदे की चीज थी, कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, लेकिन इंटरनेट एडिक्ट हो गए,
ये करीब करीब एक तिहाई, ये एडिक्ट हो जाना उनके अपने उन लोगों से, उन टेंशन से निकले, यहाँ पर उनको कोई दिलचस्पी की चीजें नहीं, इधर अच्छी भी मिली, मालूमात की भी मिली, ये और बढ़ा दिया गया इंटरनेट का यूज। अब कोविड आया, एजुकेशन के अंदर भी उसका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया, बल्कि कंपलसरी हो गया, मजबूरियां हो गई कि अब बच्चों को देना ही है। तो फिर मुख्तलिफ उसके अंदर उनकी जो अपनी दिलचस्पियां हैं वो अपनी जगह, लेकिन उन्होंने कुछ नई डिस्कवरीज स्टार्ट कर दी जो उनके पेरेंट्स के पास नहीं थी, वो नई इंकशाफात उनको होने शुरू हुए। तो अब लगे हुए दिन रात ये एडिक्ट जो होते हैं, दोस्तियां खत्म हो गई, मुश्किल से दो तीन दो, एक दो दोस्तों की कंपनी रह गई। पहले के लोगों के एक सर्किल हुआ करता था दोस्त अहबाब का, अब वो लगे हुए हर वक्त इंटरनेट के ऊपर, घर वालों से इंटरेक्शन पहले से कम हो गया, हाँ हूं किया, उनके खाने पे बुलाया, कुछ बात हुई, बहुत कम इंटरेक्शन के साथ, इसलिए उन्हें नहीं मालूम कि इतना ज्यादा लगे हुए, पेरेंट्स को नहीं मालूम वो एडिक्ट हो चुके हैं। एडिक्ट होने का मतलब छोड़ नहीं सकते, अब हर वक्त उसी में लगे, जितना मैक्सिमम चाहे छुपा कर चाहे सामने से, वो उसमें उनको लगना है। ये इंटरनेट की दुनिया जो है, इनके पास भी बहुत जबरदस्त तरह तरह के जाल है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी है, बहुत यूजफुल चीजें भी है, और बड़े 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 जाल भी है। तो आपको मालूम ही है कि उस तरह के गेम्स है कि जिसके अंदर बच्चे इन्वॉल्व होने के बाद फिर वो वहां से वो गेम गाइड करते हैं कि अब तुम्हें सुसाइड करनी है, और फिर जाके सुसाइड कर लेते हैं। वो गेम गाइड करते हैं तुम्हें एक मर्डर करना है, और फिर अपने जज्बात में वहां तक पहुंच जाते हैं कि फिर करते हैं मर्डर, अकेले बैठे हुए कोई और नहीं है, और वो फिर मानते चले जाते हैं, वो बहते चले जाते हैं। ये जगह जगह शैतान लगे हुए, वो भी इसी के जरिए आ रहे हैं। ये एडिक्शन, इसका इस्तेमाल तो बहुत अच्छा था, एडिक्शन बहुत खतरनाक है। अब मैं आपसे कहूं कि जो जिनके साथ इस तरह एडिक्शन से दूर रहिएगा, आप में भी होंगे कुछ जो इन जगह तक आ रहे हैं, मैं कहूँ छोड़ दो बेटे, बड़े नुकसान की बात है, मेरे कहने से नहीं छोड़ दे, मैं कहकर चला जाऊं, खाली प्रीच करके चला जाऊं, सर हिला देंगे कि हाँ छोड़ देना चाहिए। वो जो ड्रिंक करते हैं, वो जो ड्रग्स लेते हैं, उनसे बात करें तो कहते हैं कि हाँ अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ये कहते हैं छोड़ दो तो छोड़ नहीं सकते, एडिक्शन का तो मसला ही है सारा। अब ये अपनी जगह होता क्या है, एक सोशल बिहेवियर बदल जाता है, बिल्कुल टोटली बदल जाता है सोशल बिहेवियर, इसलिए कि अब उनको तन्हाई ज्यादा पसंद है, रिश्तेदारों से दोस्तों से इंटरेक्शन के मुकाबले में अकेले रहना पसंद ज्यादा है। इन शैतानों ने कुछ और भी चीजें लेकर आए आगे, जो कि ये जो दुनिया है जो तुम्हें नजर आ रही है, जिसमें जिसका तुम अपने आप को हिस्सा समझते थे, इससे आगे एक और है वर्चुअल वर्ल्ड। वो वर्चुअल वर्ल्ड बस तुम्हारे मोबाइल में है और तुम्हारे लैपटॉप पर है, और वो सचमुच एक पूरी दुनिया बना दी। अब उस दुनिया में जी रहे हैं, उस दुनिया के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उस दुनिया की प्लानिंग कर रहे हैं, और वो है उस दुनिया में, बड़ों की समझ में भी नहीं आती। ये वर्चुअल वर्ल्ड, अगर पेरेंट्स से बात करें तो उनके पल्ले भी नहीं पड़ेगा कि ये क्या है। अब स्टूडेंट्स ने वर्चुअल वर्ल्ड में जीना शुरू कर दिया, या जो नहीं है वो जा रहे हैं उधर, अभी पहुंचे नहीं जा रहे हैं। ये हुआ क्या, एक आपको बिल्कुल मैं असली तौर पर सोचते हुए कह रहा हूं, मैं आपसे किसी से नहीं कह रहा ये मत करिए छोड़ दी, ये किसी से नहीं कह रहा, इसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। आप लोग सब इस स्टेज पर समझने वाले, सोचने समझने वाले और रैशनल बच्चे हैं सब। जब आप पैदा हुए तो आपके एक पापा थे, डैडी थे, फादर थे, अब्बा थे, एक अम्मी थी, मदर थी, ये इन दोनों ने आपको बेपनाह प्यार दिया। इस जगह तक आपको जो लेकर आए, यहाँ आप बैठे हुए हैं, ये उनकी सेक्रीफाइस थी, उनकी मोहब्बत थी, जिसकी वजह से बैठे हैं आपके ऊपर उनका बहुत कर्ज है, बहुत एहसान है। अगर ये सब मुसलमान है आप में से, तो आप इस बात को आपने सुना है या मानते हैं आप कि सबसे पहले एक आदम और हव्वा, एक इंसान से सारी नस्ल शुरू हुई। तो हजरत आदम के न वालिद थे न वालदा, अल्लाह ने पैदा कर दिया, अल्लाह की कुदरत है, पैदा कर दिया। जब अल्लाह हजरत आदम को ऐसे पैदा कर सकता है, तो हम सबको भी तो ऐसे पैदा कर सकता था, आपको भी ऐसे पैदा कर सकता था। इसके लिए फिर माँ बाप की जरूरत क्यों पड़ गई कि माँ बाप भी के जरिए आप दुनिया में आए।
ऐसा हो सकता था कि आबादी दुनिया में बढ़ रही हो, आज ऐसा हुआ कि एक केव में से गार में से निकल के एक साहब आ गए, एक और बढ़ गए। हजरत आदम बच्चे से बड़े थोड़ी हुए थे, एक जवान आदमी निकल कर आ गया, एक पहाड़ की चोटी पे से उतरता हुआ आ गया, एक तैरता हुआ आया, एक और बढ़ गई आबादी, ना माँ है ना बाप है किसी के। तो फिर सारे लोग किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हर एक की अपनी इंडिविजुअल लाइफ होती और वो ऐसे जी रहे होते। लेकिन एक शुरुआत करने के बाद अल्लाह ने यहां पर सिस्टम ऐसा रखा कि अब जो नस्ल चलेगी वो ऐसे ही चलेगी कि माँ बाप होंगे, ऐसे ही चलेगी कि माँ बाप अगर तुम्हें जिंदा ना रखें, उनके दिल में बेपनाह मोहब्बत नहीं हो तो तुम जी ही नहीं सकते। आप अपनी वालदा के अपनी मम्मी के कपड़ों पे पेशाब करके तो देखिए, अगर किसी जगह बात माहौल ऐसा होता है जहां गालियां पड़ जाए वरना डांट तो देंगी, डांटे मारेंगी। कितनी दफा उनके कपड़े गंदे होते थे, कितनी दफा रातों को उठती थी, कितनी दफा अपनी बीमारी में आपके साथ में लगी रहती थी। अगर इतना न करती तो आप यहां नहीं बैठे होते, कब के खत्म हो चुके होते। ऐसी ही मोहब्बतें आपको दूसरे और पेरेंट्स ने दी, घर पेरेंट्स के अलावा वालिद ने दी, और उन्होंने नहीं बहुत से और लोगों का करना है आपके ऊपर। देखिए एक बच्चा सड़क पे से जा रहा है, भागा हुआ, भागता हुआ जा रहा है, आपने देखा जल्दी से पकड़ के हाथ खींचा, इसलिए कि वहां सामने से गाड़ी आ रही थी बड़ी तेज, बच्चे को होश नहीं था, बच्चा सड़क क्रॉस कर रहा, आपने देखते ही खींच लिया, वो गाड़ी निकल गई, आपने छोड़ दिया, बच्चा भाग गया। आपको पता ही नहीं कौन बच्चा था, किसका था, ये नहीं मानो हिंदू था मुसलमान था गरीब था अमीर था, ये कुछ नहीं पता। आपने देखा एक बनने जा रहा है, बचाया था। वो बच्चा जो है वो नहीं जानता, और उसको तो ये भी होश नहीं कि अभी किसी ने बचाया, अभी मेरी जान जा सकती थी, जिंदगी भर उसे आप तो याद भी नहीं हो। आपने किसी एक बच्चे को जिंदगी दी जिसे कभी याद भी नहीं होगा कि इन्होंने मुझे बचाया। ऐसे आप जो यहां पर बैठे हैं, न मालूम कितने लोगों ने आपको मरने से बचाया और जिंदगी दी, जिन्हें आप नहीं जानते, जो आपको याद नहीं, उन सब पर ऐसे समाज होता है, ऐसे कर्जे चढ़ते हैं और ऐसे जिम्मेदारियां होती हैं। क्या आप नहीं चाहते कि कोई आपसे मोहब्बत करे? तो हर इंसान चाहता है अंदर से। जिन्होंने बेपनाह मोहब्बतें दी उनसे आप कटने के बाद अकेले हो जाते हैं, ये क्या है, ये नेचर के खिलाफ। यहां पर एक समाज था और सोसाइटी थी, उसका पार्ट बन के आप यहां तक पहुंचे, अब आप उस समाज से कटते हैं। मैं सिर्फ अपनी बातें कर रहा हूं रैशनल, आपको कोई किसी तरह की प्रीचिंग नहीं कर रहा। अब आप उस समाज से कटते हैं, कटने के बाद आप तन्हा हो जाते हैं, सिवाय इसके कि एक दो और कोई दोस्त हैं वो इसमें लगे हुए, उनसे पर डिस्कशन हो गया, बाकी अपने वर्चुअल वर्ल्ड में घुसे हैं। ये जिंदगी ये नेचर के अगेंस्ट हो गई, नेचर ने आपको बनाया, समाज का हिस्सा बना, नेचर से लड़कर आप जीत नहीं सकते। जरा सा ऐसा होता है कि कुछ पेड़ ज्यादा काट लिए, ये नेचर के अंदर यहां पर जो एक नेचर ने जो एक बैलेंस रखा था, इकोलॉजिकल बैलेंस, उसमें डिस्टर्बेंस आ गया, क्या होता है, दलदले आने लगते हैं, सैलाब आने लगते हैं, जगह जगह सूखा पड़ने लगता है, तबाही आती है, इंसान मरना शुरू हो जाते हैं। तो नेचर से लड़ नहीं सकते, थोड़ी कुछ अर्से तक तो नेचर बर्दाश्त करती है, जब गलत ऐसा इंटरफेरेंस करे कि जो तवाजुन है जो बैलेंस है उसे आप बदल दें अगर, तो कुछ दिनों तक तो वो इतना उनके अंदर मार्जिन है रखा है उस लॉस के अंदर कि कुछ दिन तो वो आपसे बदला नहीं लेती, उसके बाद इंसानों को तबाह करना शुरू कर देती है। तो नेचर से लड़ नहीं सकते, क्रिएटर से नहीं लड़ सकते। जब आप इनसे लड़ नहीं सकते और ये नेचर के खिलाफ है जो कुछ, ये बिल्कुल नेचर के खिलाफ है कि आपकी दिलचस्पियां आप असल जिंदगी से हटने के बाद वर्चुअल वर्ल्ड में निकल जाए, ये नेचर के खिलाफ है। आपको समाज का हिस्सा बनाकर पैदा किया था, तो जानते हैं फिर क्या होगा, फिर फ्रस्ट्रेशन आए, सुकून नहीं मिलेगा। ये फ्रस्ट्रेशन जो है ये डिप्रेशन लाएंगे, ये एंग्जाइटीज पैदा करेंगे। अब रिपोर्ट ये भी है कि 16 टू 18 के एज ग्रुप के और इवन 19 के एज ग्रुप तक के बच्चे, इनमें से 30% बच्चे जो है वो अब कंसल्ट कर रहे हैं किसी किसी जगह, घर वालों को नहीं मालूम कि मुझे ये तकलीफ है, मेंटल स्ट्रेस परेशानियां, ये मेंटल स्ट्रेस आपके सबके साथ शुरू हो जाता है। बहुत अच्छे हैं
मुबारकबाद उनका के जिनके घर का माहौल ऐसा मिला जो उसके अंदर नहीं घुसे, जो ऐसे नहीं है, जो यूं नहीं सोचते। लेकिन सोचना समझना तो दीन ने कहा है कि सोचना और समझना, वो सोच समझ को हटा दे तो वो भी फिर आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। सोच समझ कर हटाएंगे तो दूसरों के कॉम्पिटिशन में पीछे चले जाएंगे। अब स्ट्रेस ये भी होता है कि कॉम्पिटिशन की लाइफ है, क्या करें। तो देखिए सुकून तब मिलेगा आपको, ये स्ट्रेस तब खत्म होगा जब पहली बात तो ये कि नेचर के साथ में सिंक हो जाए, हमाहंगी हो, उसके अगेंस्ट नहीं जाए। ये बिल्कुल एक लॉजिकल बात में रख रहा हूं आपके साथ, उसके अगेंस्ट जाएंगे टेंशन लाएंगे और स्ट्रेस होगा। फिर आपसे जिन्होंने मोहब्बत की, बहुत मोहब्बत की, बेपना मोहब्बत की, अपने आप को खत्म करने की हद तक, उनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें आप, इसलिए कि आपके ख्यालात नहीं मिलते। ये अपने आप में खुदगर्दी है, और ये खुदगर्दी जो है ये आपकी जिंदगी में टेंशन लाएगी, स्ट्रेस लाएगी। एक बड़ी अहम बात बताऊं आपको, ये बड़े खुश नहीं होंगे सुनकर जो यहां पर बैठे हैं। कुरान ने किसी एक जगह भी नहीं है कि वालदैन की इताअत जरूर करना। आम तसव्वुर यही है, दीन ये कहता है हर हालत में इताअत करना, ये सबके दिलों में। एक झूठी रिवायत के सिख को छोड़कर किसी हदीस के अंदर ये नहीं है कि इताअत हर हालत में करना वालदैन की। बड़ा अजीब लग रहा होगा सुनकर, आज तक यही सुनते आए कि इस्लाम तो ये कहता है कि हर हालत में इताअत करना। कुरान ये कहता है, इस्लाम ये कहता है कि हर हालत में ऐसा रखना कि उनका दिल न दुखे, हर हालत में उनके साथ में अच्छा सलूक करना। कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें नागवार हो तो उफ भी मत कहना, उफ जबान से नहीं निकलेंगे। लड़ने खड़े हो जाना, जवाब देना तो बहुत दूर की बात, झुंझलाकर उफ भी नहीं निकले। हुक्म जो है वो ये है, अगर माँ बाप शिर के भी हुक्म दे रहे हैं मानना तो मत। वसाहिब हुआ फिर दुनिया मारूफा, लेकिन उनके साथ में फिर शुरू किया है उसने शुरू वो रहेगा, उनके साथ, उनके साथ में उनका आदाब एहतराम वो पूरा रहेगा। हाँ, उस वो उस हुक्म को नहीं मानेगा। ये बहुत बड़ी हिकमत है, जिसने बनाया, जिसने पैदा किया, जिसने एक कलाम दिया कि आपके इस दौर के अंदर जो आपकी जरूरतें सोचे, जरूरी नहीं है कि वालदैन उसे समझते हो। उनके फैसले मुमकिन है, बहुत से केसेस में गलत होते हो और आपके सही होते हो। हर हालत में इताअत करेंगे, हर हालत में इताअत जरूरी नहीं है कि आपको किसी बहुत अच्छी ही जगह ले जाए। एक स्टेज आती है जहां आप मैच्योर होना शुरू हुए, अपने फैसले करना चाहते, इसे देख लीजिएगा कि जबान से हुक्म नहीं निकले और वालदैन की हर हालत में उनके साथ में होते शुरू हो। जो हुक्म है वो ये है, इससे भी अलग हट जाएंगे। चलिए तो कुरान का हुक्म था, मैंने आपके कानों में डाल दी, मैं आपसे कह रहा था कि उसकी बातें भी नहीं करूंगा, बातें यहां पर रैशनल बातें करूंगा, लेकिन आपके कान में मैंने डाल दी कि बहुत यूनिक बात है और ये समझा ही जाता है दूसरे मदाहिब के जरिए सर, जो हमारे यहाँ कल्चर आ गया है, हर कीमत में जो कह रहे हैं उसे मानना जरूरी, मानना जरूरी नहीं, उनका एहतराम जरूरी है, उनका दिल नहीं दुखाए, उनकी बात के ऊपर जरा सा भी ये रिएक्शन पैदा नहीं होने दे अपने अंदर, इसलिए कि बेपनाह एहसानात है उनके आपके ऊपर, उनकी मोहब्बत का पर्दा है, उनकी वजह से आप जिंदा है, वरना जिंदा नहीं होते। तो ये तो हुआ एक हिस्सा, इसे आपको वापस हरारत में लाना है। ये मैंने आपको खाली रैशनली समझाया, अब आपको अपने कैरियर के बारे में तय करना है। कैरियर खाली ये नहीं कि आपको बनना क्या है, कैरियर वो भी है कि आपको मानना क्या है। जिंदगी के अंदर वो फैसले गलत हो जाते हैं, वो फैसले गलत हो जाते हैं तो फिर स्ट्रेस शुरू होता है, फिर ऐसा होता है कि टेंशन आते हैं तरह तरह की जिंदगी के अंदर। तो ये एक अजीब, एक खास तौर से ये मोड है जहां से पहले एक रास्ते पर आ रहे थे, अब कई तरफ रास्ते जा रहे हैं। तो अब हम किस रास्ते पर जाए और कहां निकले, मैं आपको अपनी जिंदगी की कुछ प्रैक्टिकल बातें बताऊं, और इसलिए मैं लोगों से रिलेट कर पाता हूं, या घर वालों को नहीं मालूम, मुझे मालूम होता है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो उनका जहन कहां जा रहा है, घर वालों को नहीं पता, नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन जहन में शुभात है, उन शुभात का जवाब नहीं मिलता। तो मुझे क्यों मालूम है और मैं क्यों खफा नहीं होता जब मेरे पास आते, जब आके ये पूछते कि बताइए कि अल्लाह ने हमें बनाया, अल्लाह को हमने बना लिया है, तो मैं खफा नहीं होता। मैं नहीं कहता खबरदार तौबा करो, ये कुफर की बात मत करना आइंदा,
इसका जवाब मिलना चाहिए। तो मैं अपनी जिंदगी की चंद बातें आपको सुनाता हूँ वाकया, और जो बातें मैंने अभी कही हैं इसमें दरमियान में आपके जो आपस के कॉम्पिटिशन है सिखाया गया जाते हैं आजकल, ये भी टेंशन की बजाय अच्छे ग्रेड लेकर आने हर कीमत पर, पीछे से पुश किया जा रहा है। अब आप उधर कोशिश भी कर रहे हैं, सचमुच भी, और बात भी है कि कोशिश बहरहाल नहीं कर रहे इतनी जिंदगी में लगे हुए वो बता नहीं सकते। तो ये चीजें अपनी जगह पे स्ट्रेस लाती है। ये आज की दुनिया में सिखाया जाता है, उसूल आया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नाम सुना है इस उसूल का आपने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसी ने, क्या है, किसने कहा, किसने दिया नॉलेज जी, हाँ बेटे बताइए, सही बता रहे, शायद आवाज नहीं आई मुझे, यस शाबाश जी, आप कह नहीं पाए, शायद आप भी कहना चाह रहे थे लेकिन आपने नाम नहीं लिया। तो यहाँ पर बात की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये, यहाँ होता ये जो सबसे ज्यादा फिट होता है वो आगे जाता है बाकी तबाह हो जाते हैं। उस रूल की बुनियाद पर यहाँ सिखाया जाता है कि बेटे तुम्हें आगे बढ़ना है दूसरों को कुचलते हुए, उनसे हर एक से ये तबाह हो जाए तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम्हें आगे जाना है। मैं अपनी जिंदगी के एवोल्यूशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आप, इस वक्त की पोजिशन पहले बताऊ कि मेरा हुईया देखा ना अभी आपने, जैसा हूं मैं जुमा की नमाज पढ़ाता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में एक ही जुमे की नमाज पढ़ाने वाला मेरे हुईये का और कोई नहीं। मैंने एजुकेशन मेरी है, मैंने इंजीनियरिंग किया, IIM अहमदाबाद के अंदर मुझे 15 साल बुलाया गया एज, उन्होंने स्पेशल नाम रखा उस पोस्ट का, विजिटिंग प्रोफेसर, और एज विजिटिंग प्रोफेसर 15 साल तक IIM अहमदाबाद के IIM के अंदर मुझे बुलाया गया वर्कशॉप और इंटरप्रेन्योर्स मोटिवेशन पर बोलने के लिए। वो जो फैकल्टी थे उसके, उनसे थोड़ी देर एक जगह मुलाकात हो गई थी, कुछ बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप वक्त दे सकते हैं आने का। तो मैंने कहा कि मैंने ABCD मैनेजमेंट की नहीं पढ़ी, और ये प्राइम इंस्टीट्यूट है एशिया का, मैंने ABCD भी नहीं पढ़ी मैनेजमेंट की। तो उन्होंने कहा जो हम अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं वो है आपके पास। तो मैं 15 साल गया वहां पर, मैंने उसकी ABCD भी नहीं पढ़ी। हमारे यहाँ जब तक मैं स्टूडेंट था तो हायर सेकेंडरी सिस्टम था, जब मैं स्कूल का स्टूडेंट था वहां से कॉलेज में आया, 11th क्लास हायर सेकेंडरी कहलाता था, उसके बाद डायरेक्ट BA BSc 3 साल का होता। तो मैंने वहां पर, हमारे पास जो हम सिलेक्ट करते थे अपना डिसिप्लिन मैथ्स में जाना या साइंस में जाना, ये 9th क्लास से करते थे, 9th 10th। अब प्योर अगर मैथ्स में गया है तो फिर उसने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, 8 तक तो जनरल था, और अगर कोई उसके अंदर गया बायोलॉजी साइड में गया तो फिर उसने मैथ्स नहीं पढ़ी, 8 क्लास तक जितनी जनरल थी। मैं मैथ साइड में गया था, मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, बिल्कुल नहीं पढ़ी, जरा सी भी मैंने बायोलॉजी जरा सी भी नहीं पढ़ी। मुझे एक दो नहीं, बहुत सी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में मुझे हेड करने के लिए बुलाया जाता है, और जगह पर बुलाया गया क्या आप सदारत कीजिए आने के बाद, और सदारती लेक्चर दीजिए यहाँ पर आप। डॉक्टर तो बर्दाश्त ही नहीं करते थे डॉक्टर अपनी फील्ड के अंदर, वैसे चाहे बहुत ताल्लुक से मोहब्बत से इज्जत से मिले, अपनी फील्ड में नहीं बर्दाश्त कर सकते, मुझे बुलाते हैं उसे हेड करने के लिए। तो फिर इस तरह के मैंने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा कभी, मदरसे में मेरे कुरान शरीफ के जो दर्स आते हैं इसमें है, और जो मैं की नमाज पढ़ाता हूँ उसके खुदे होते हैं, जो दर्स आते हैं वो बहुत मकबूल है, बहुत फैलते हैं, और जहां पर भी जो सुनता है बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है। फिर ये मेरी वो लाइन ऑफ एजुकेशन नहीं है, लेकिन दुनिया के मतलब सारे हिंदुस्तान में तो है ही, इसके अलावा बाहर भी बहुत सी जगहों पर मुझे समझा जाता है कि ये उसके तलाबली मुताले के इंटरफेस उसके माहिर है, वो बुलाया जाता है अलग अलग मताये के लोग अपने यहाँ बुलाते हैं। ये चीजें मुझे मिली कहां से, ये तो मैंने आपको अपनी प्रेजेंट बात बताई, अभी बताऊंगा आगे। अब पहले मैं बचपन की बात बताता हूँ, काफी छोटी उम्र थी, हम जहां रहते थे दिल्ली में जिस कॉलोनी में, वहां पर हिंदू मुसलमान ईसाई और क्रिश्चियन ये तीनों खूब आपस में रहते थे, ऐसे रहते थे जैसे सब एक दूसरे के रिश्तेदार हो, आपस में बच्चे खेलते थे बड़ी मोहब्बत के साथ। हम लोग ऐसा हुआ एक दिन कि
होली का त्योहार था, हम गए उनके साथ में, बहुत कम उम्र रही होगी मैं ऐसी तीसरी क्लास में होगा, उन्होंने मैं उनके साथ में वहां जो हिंदू बच्चे थे दोस्त हमारे उनके साथ में होली खेलते हम भी आए रंग खेल कर घर आए तो उस दिन पहली मरतबा पिटाई हुई। मेरे वालिद ने तीन बार पिटाई की और वो उसका पहली मरतबा उस दिन पहली मरतबा पिटाई हुई कि ये होली खेलता है, हो गई पिटाई बात खत्म हो गई। अगला साल होली आई हम खामोशी से निकल गए फिर होली खेलकर आए और खुलकर ऐसी सामने से आए ये इतनी छोटी एज खेल रहा रिबेलियन मेरी समझ में नहीं आया ये क्या कि भाई अगर इनकी खुशी में शरीक हो रहे और ये ऐसे खेल रहे रन डाल रहे तो इसमें क्या हिंदू मुसलमान हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि सही या गलत था, मैं तो बात ये कह रहा हूँ उस वक्त ये सोच ऐसे थी और समझ में नहीं आया। तो अगले साल फिर आए घर के अंदर मेरे वालिद ने देखा फिर उसके बाद कुछ नहीं कहा खामोश हो गए। ये निवा के बहुत पिटाई हो फिर वो बचपन से ही वो बैठकर मुझसे बात करते थे और उन्हें मालूम था कि अगर समझा नहीं सके दलीलों से तो ये नहीं मानेगा। अदब बहुत करता था दूर दूर तक मशहूर सब कहते थे कि ये ऐसा बच्चा होना चाहिए अदब करना उनका एहतराम। मैं जो चीज समझ में नहीं आती थी मानता नहीं था कभी जबान नहीं लड़ाई कभी बेअदबी नहीं की कभी नहीं। तो ये रेबेलियन बचपन से था कि जो समझ में आएगी वो मानेंगे समझे बगैर हम नहीं मानेंगे। सब तरह के स्टूडेंट्स मिक्सअप होते थे हॉस्टल में वही एक साथ ही वैसे मेडिकल स्टूडेंट भी है फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी है साथ में एक हॉस्टल के अंदर वहीं पर हिस्ट्री के भी है वहीं पर साइकोलॉजी उसके भी आर्ट्स फैकल्टी के भी है ये सब मिक्स रहते थे ऐसे हर हॉस्टल में होगा ये सबके हॉस्टल अलग अलग नहीं होते। उससे ये तो होता है कि स्पेशलाइज नॉलेज जो है उसके अंदर उसके लिए अच्छा ये है कि इंजीनियरिंग के सारे स्टूडेंट एक साथ रहे लेकिन फिर आपस में डिस्कशन हर टॉपिक पे होते हैं लोगों एक दूसरे से इंटरेक्शन जब होता था उस इंटरेक्शन में उस एज के अंदर जब अभी आप नहीं पहुंचे कॉलेज उस एज के अंदर फिर हमारा डिस्कशन इस बात के ऊपर होता था लेकिन हमारे दोस्त हिंदू भी बहुत थे और बहुत फ्रेंड थे और बहुत अच्छे थे मुसलमान भी बिल्कुल सब ऐसे रैशनल थे तो डिस्कशन इसका भी होता था। वो मजाक उड़ाते थे कि ये क्या है हिंदू धर्म में वो हिंदू को मजाक उड़ाते ये क्या क्या मजाक है ये हमारे घर वाले हमसे ये करने को कहते और देखो खुद ये करते होते थे अब घर में बड़े संजीदा है ये हमारे साथ में हंसते थे कि देखो हमारी मम्मी क्या करती है ये हमारी नानी क्या करती है हम भी मजाक उड़ाते थे कि देखो कहां पर हमने क्या देखा और कहां क्या देखा ये होता है इस्लाम के अंदर ये सारी चीजें होती ये हमारी आपस में चीजें चलती थी उसका नतीजा ये हुआ फिर आपस में डिस्कशन चलते थे। पढ़ने का शौक था हमने वो पढ़ डाली कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ डाला दास कैपिटल पढ़ डाला फ्रेडरिक एंजेल्स और उनकी सारी कार्ल मार्क्स की और फिर उसके बाद ये यकीन हो गया कि ये खुदा जो है फर्जी बात है अल्लाह का वजूद खुदा का वजूद फर्जी बात है और ये यकीन हो जाने के बाद फिर कम्युनिस्ट मूवमेंट में लगे स्टूडेंट थे वहां पर डॉक्टर इरफान हबीब अभी हयात है जिंदा है वहां के इसके कम्युनिस्ट मूवमेंट के हेड हुआ करते थे उनके साथ जगह जगह धरनों में बैठे। फिर एक सोच जो थी वो एक तरफ निकल गई कि ये सही है वहां तो गलती है सही यहां पर ये गरीबों की मदद करते हैं ये इंसानों को खुशहाल रहना चाहिए ये लोग जो कुछ कहते हैं वो सही है। कहा ये फेज गुजरा ये तो जब हम स्टूडेंट थे जब ही हो गया था अब उसके बाद पढ़ के घर आ गए तब ये वैसे अब घर वाले कुछ कर नहीं पाए हमारे घर हमारा बहुत अच्छे इल्म वाले मुसलमान थे मेरी वालदा भी और वालिद भी अच्छे इल्म वाले थे और बाकी फैमिली भी तो वो कुछ कर नहीं सके। अब ये एज ही आ गई मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इस एज तक पहुंचने में बहुत सी जगह आपके रेबेलियन जो होगा अभी वालदेन को नहीं मानो उससे पहले से ही फैसले कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ किसी एक बात को मानो लेकिन मेरे साथ में ऐसा हुआ फिर 15 साल रहा है 15 ईयर्स मैंने वहां पर है इंटरनेट के ऊपर है और यूट्यूब के ऊपर है पूरी स्टोरी जो मैंने अपनी बताई ऐसा 15 ईयर्स तक हुआ। मैं 6-7 तस्वीरें पढ़ा हुआ था उसको शौक था पढ़ने का हर चीज पढ़ता था मेरे घर वाले जो बहुत अच्छे वाले थे उन्हें किसी मसले में आपस में अटकते थे तो वही कहते थे इससे पूछ लो। मैं नमाज नहीं पढ़ता था कुछ किसी वक्त के लिए जो है कि नहीं मैं रोजे नहीं रखता था मेरे लिए घर में खाना पकता था और कहीं मसाइल की बात आती थी कहा जाता है इसे पूछ लो इसे मालूम हुआ तस्वीरें पढ़ी हुई है बहुत सी तस्वीरें पढ़ डाली थी। अब ये चीज जो है ये रही 15 साल
एक 15 साल में फिर कंट्रडिक्शन होता, दादा दादा कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं हुआ कि जिधर निकल गए तो निकल गए, वो जगह भी सही है या नहीं है, वहां पर उसके तदादात नजर आए गलत है, वापस रिलीजन में जाना है। और डिस्कशन से मुताला भी बहुत किया था उस वक्त तक, हमने हिंदुइज्म का भी किया था, उनकी मजहबी किताबों की किया था, जो पंडितों ने नहीं पढ़ी है, वो लाखों पंडितों ने नहीं पढ़ी होती है वो चीजें, वेदाद्वार जो उसका एक हिसाब मेरा पढ़ा हुआ। तो बात यह कि जब उधर वो इतनी खुराफात थी, किसी और के बारे में सोचने का सवाल ही नहीं था, वापस इस्लाम की तरफ आने में सवालात थे मेरे, वो हल नहीं हो रहे, दिक्कत ये थी तो सवालात थे वो हल नहीं हो रहे, जिनकी वजह से ये चीजें पैदा हुई। फिर मैंने सोचा कि अब मैं किसी से नहीं पूछूंगा और तस्वीरों से भी नहीं देखूंगा, मैं कुरान पर खुद गौर करूंगा। मैंने अरबी भी सीखी थी खुद से, किसी जगह पर मैं किसी इनके हिंदू मजहबी इदारों के अंदर मैंने नहीं पढ़ा, संस्कृत के अंदर मैं अपने खुद तर्जुमे अपने में कर लेता हूँ, अरबी मैंने सीखी थी, मैंने कुरान का खुद से मुताला शुरू किया। कभी कभी ऐसा हुआ कि एक एक आयत में मुझे 3-3 दिन लग जाते गौर करते हुए, और उस दरबार में उसमें बहुत सी गिरे खुली, बहुत सी चीजें साफ, बहुत सी वो चीजें जो मैं समझता था कि दीन के नाम पे मुझे दी गई, उनसे मैंने उनसे मैं हटा कि नहीं, कुरान तो ये नहीं कह रहा, इस्लाम ने ये नहीं कहा था, हमारी ट्रेडिशन या हमारे रिवायत के अंदर ये बातें ऐसी आती चली गई, या हमारी परंपराओं के अंदर ये बातें आती चली गई, चीजें बिल्कुल लॉजिकली जो है क्लियर होती चली गई। ये नए सिरे से इस्लाम के अंदर जब मैं आया हूं वापस 15 साल के बाद, अब ये तरबियत बहरहाल इस दरमियान में जो कुछ भी अल्लाह से माफी मांगते हैं, दौर की अपनी जगह कि मुझे नौ मुस्लिम कबूल कर ले, पिछले गुनाहों को माफ कर दे, लेकिन उससे हुआ ये कि अब जब कोई वो सवाल आता, उन सारे अंदेशों से मैं गुजरा हूं, उन सवालात से मैं गुजरा हूं जिससे जहन के अंदर तरह तरह के खतरे पैदा होते, तो जब वो सवालात लोग लाते हैं तो फिर मुझ पर गुजरी है तो मैं जवाब देता हूँ या जवाब दे सकता हूँ, ये नहीं कहता खबरदार ऐसी बात मत सोचता, ये इसे सोचने की जरूरत नहीं। इस रिबेलियन के साथ में फिर दोबारा अल्लाह ने इस्लाम की खिदमत का मौका दिया, चीजों को देखा तो कितनी बदल गई है और कितनी चेंज हो गई है, उसमें से आज मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि आप सब मुसलमान है, सिर्फ एक चीज सिखा के जाना है अभी थ्योरेटिकली, फिर थ्योरेटिकली है इसकी कुछ चीजें बताऊंगा अगर ऑनलाइन मौका मिला, और आपकी पूरी जिंदगी में बहुत कामयाबियां लाएंगे, आपके फ्रस्ट्रेशन खत्म होंगे, आपके टेंशन खत्म होंगे, आपकी माइंड की क्लैरिटी आएगी, फिर ये दुनिया की कामयाबी जो है वो बढ़ जाएगी, आखिरत की तो है अपनी जगह, उसको समझ लीजिए, सिर्फ उस पर मैं बात अपनी खत्म करूंगा। ये हमारा ये तर्ज फिक्र जो है, तर्ज जिंदगी जो है, लाइफ स्टाइल, ये सब बदल जाएगा जब ये बात आखिरी तौर पर, अभी मैं आपसे नहीं करा मान ली, लेकिन ये बदल जाएगा जब हम ये सोचते हैं कि हम क्या क्या चीजें अचीव कर ले, ये हमने बहुत से मकसद बना रखे हैं, एक मकसद की तरफ बढ़ते दूसरे का नुकसान हो जाता है। अब आप में से कुछ लड़कों को एक लड़की अच्छी लगती है, आप भाग रहे हैं उसके पीछे, वक्त लगा रहे हैं, ये वक्त यही आपकी पढ़ाई की तरफ से जा रहा है, इसमें नुकसान, इधर लग गए, अच्छी वो लगती थी इधर नुकसान हो गया, अलग अलग तरह के हमारे मफादात जो है एक क्लैश होते टकराते हैं, ये टकराना जो है ये भी फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है कि अपनी कुछ मंजिलें हासिल नहीं कर पाए ना, अपने कुछ हम अपनी जिंदगी में बहुत से मकसद बना लेते हैं, हर एक तक पहुंच नहीं पाते। सिर्फ एक बात इसे समझ ली, हम अपनी जिंदगी में तो बहुत से गोल्स बनाते हैं, लेकिन कभी ये भी सोचा कि हम खुद किसी का मकसद है, ये बड़ी लॉजिकल बात है, हम जब मकसद बहुत से अपनी जिंदगी में बना रहे हैं, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आप खुद किसी का मकसद है, जब अपने मकसद की तरफ तवज्जो नहीं देते तो फ्रस्ट्रेशन होता है, कोई भी हो, एक दुकानदार है वो दुकान पर उसको बैठना है कस्टमर कमाए ज्यादा जाए, अगर इसकी करना शुरू करेगा तो दुकान बिल्कुल फेल हो जाएगी, फिर अगर वो उसमें अपनी कुछ दिलचस्पियों में से स्किप करने लगे और भागने लगे, एक दो दफा भागे तो उसके बाद उसे फ्रस्ट्रेशन होता है, गया तो था दिलचस्पी में, मैंने इतना अपना काम छोड़ दिया था, बात को फ्रस्ट्रेशन होता है। आप जो कुछ पढ़ने के लिए आए हैं, जो कुछ आपको जितना इसका हक अदा करना चाहिए, जब जरा सा टाइम वेस्ट कर देते हैं उस वक्त तो मजा आता है कि नहीं, इंटरटेनमेंट है, बात को फ्रस्ट्रेशन होता है, होते ही होता है फ्रस्ट्रेशन, इसलिए आपका एक मकसद था उस पर आपको जो करना चाहिए था आपने नहीं किया, तो फ्रस्ट्रेशन होता है।
किसी भी लाइन के अंदर जहां पर इंसान का कोई मतलब होता है, जब उससे वो वक्ती दिलचस्पियों में अपने आप छोड़ता है, स्किप करता है, तो फ्रस्ट्रेशन होता है। ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। तो जब आप खुद किसी का अगर मकसद हो और उसको पूरा करने की बात जहन में हो ही नहीं, तो पूरी जिंदगी में टेंशन होंगे ही होंगे, वो अस्बाब वो मीस पैदा होते चले जाएंगे कि आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। वो उस कोई को कैसे माने, क्या समझे, इसका जवाब तो इस वक्त नहीं दे सकता, बहुत लंबा है। आप में से किसी को लेना हो तो हमारा आपका रहेगा, रास्ता रह सकता है उसे, वो तो बात हो। लेकिन बात जगह पर यह भी कहा जाता है, अच्छा एक्सपीरियंस कर लिया, तजुर्बा कर लिया, उसे छोड़ो, हमने थ्योरी का जवाब दे दूंगा, बात हो, तजुर्बा कर लीजिए, जो कुछ उसने बताया उसमें फायदा है या नहीं उसकी मिसाल सुन लीजिए खाली। कुरान ये कहता है, नमाज को सब लोग जानते हैं ना, उसे अरबी में सलात कहते हैं, इन सलात अतना हमें पहुंचाए मजबूत कर। कुरान नमाज तुम्हें हर तरह की बेहयाई से रोक देगी और हर तरह की ऐसी चीजों से जो अल्लाह को पसंद नहीं है नमाज रोक दे। ये नहीं कहा नमाज पढ़ते हो तो रुकते क्यों नहीं, नमाज रोके। अब वो लोग जो आप जिन्हें जानते हो खूब, जो पाबंदी से पांचों वक्त मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, निशान भी बना हुआ है माथे के ऊपर, मोहल्ले वाले भी गवाही देते हैं कि हाँ 25 साल से हम देख रहे हैं पाबंदी से जाते हैं मस्जिद। आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे, ये तो बड़ी पाबंदी करते हैं लेकिन आपस में एक दूसरे का माल भी खा जाते हैं, पड़ोसी को भी सताते हैं, जिंदगी में और बहुत सी गड़बड़े हैं, धोखे भी दे देते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, ये सब करते हैं। और कुरान में लिखा है कि नमाज तुम्हें रोक देगी, नमाज उनकी, अगर अल्लाह ने तो ये कहा अपने कलाम में कि नमाज रोक देगी और वो नमाज 25 साल से पढ़ रहे हैं, इन चीजों में कमी नहीं हो रही। अब ये बताइए कि अल्लाह का कलाम सच्चा है या मोहल्ले वालों की गवाही के पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं, वो जाते हैं मस्जिद में पढ़ने के लिए और अल्लाह का कलाम ये कह रहा है कि नमाज रोक देगी। अभी आप फर्ज कर लीजिए कि अल्लाह है और ये अल्लाह का कलाम है, हम साइंस में भी ऐसे चलते हैं, पहले सपोज कर लेते हैं कुछ, फिर प्रूफ होता है तो मानते हैं। पहले शुरुआत जो होती है वो मकरूज़ से या सपोजिशन से होती है। तो अब अगर कुरान ये कह रहा है या अल्लाह ने ये कहा कि नमाज तुम्हें इन चीजों से रोक देगी और जो 20 साल से 25 साल से पाबंदी से पढ़ रहे हैं वो खूब गड़बड़ कर रहे हैं जगह जगह, सबको नहीं कह रहा, बहुत से हैं ऐसे, तो ये बताए कि कुरान तो ये कह रहा है तो वो अल्लाह का कलाम सच्चा होगा। अगर अल्लाह का कलाम है तो वो अल्लाह का कलाम सच्चा है या मोहल्ले वालों की गवाही की पांचों वक्त की नमाज पढ़ो, कौन सी बात सच्ची होगी, अल्लाह का कलाम झूठा होगा या मोहल्ले वालों की गवाही झूठी होगी, ये तो कंट्रडिक्ट कर रही है ना, तो टकरा रही, इसका जवाब दीजिए, एक दो लोग तो दीजिए मुझे, या फिर दोहरा समझा नहीं आपने, सवाल दोहरा हूं। कुरान में है इन्ना सलाता तनाने फशाय वल मुनकर, नमाज तुम्हें हर तरह की बेहयाई से और अल्लाह की नाफरमानी से रोक देगी, नमाज रोक देगी। ये निकाह कि नमाज पढ़ने वाले रुकते क्यों नहीं, नमाज रोक देगी, जैसे पानी प्यास बुझा देता है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद कि जो उनके आसपास के लोग ये पूरी गवाही देंगे कि पांचों वक्त की पाबंदी से हम देख रहे हैं 25 साल से मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और उनकी जिंदगी में वो बहुत सी ऐसी चीजें जो अल्लाह को पसंद नहीं और कम भी नहीं हो रही, बेहयाई की बातें भी है, पड़ोसियों को सताना भी है, माल एक दूसरे का खा जाना बेईमानी से वो भी है, झूठ बोलना भी है, ये सब चीजें हैं और कम भी नहीं हो रही, तो नमाज तो नहीं रोक पा रही, नमाज वो 25 साल से पाबंदी से पढ़ रहे और सब हर एक कहता है कि नहीं पांचों वक्त की मस्जिद में पढ़ते, तो फिर अब अल्लाह का कलाम तो कह रहा है नमाज रोक देगी, मोहल्ले वाले कह रहे हैं 25 साल में लगातार कर रहे हैं और ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि गड़बड़ में ही बहुत है, तो फिर ये तो टकरा रही है दोनों बातें आपस में, नमाज नहीं रोक पा रही उनको बुराइयों से या उन तमाम चीजों से जो अल्लाह को पसंद नहीं थी। तो अब ये जो मोहल्ले वाले कह रहे हैं पांचों वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ रहे थे, ये सच बोल रहे हैं या कुरान की बात सच्ची, ये तो ईमान की वजह से कह रहे हैं, आपको बता दिया गया कि कुरान की बात को गलत मत कह, इसलिए कह रहे हैं आप भाई, यहाँ तो कैसे कहते सब लोगों के सामने, बड़ा फजल साहब भी खड़े हुए यहाँ पर, फजल रहम साहब भी, और मेरे सामने कहते कि नहीं कुरान, ये तो कह नहीं पाई,
या सचमुच झूठे कह रहे हैं? अगर कुरान की बात सच्ची है तो मोहल्ले वाले झूठ बोल रहे थे क्या है? अरे पांचों बज आ रहे थे, फिर नमाज नहीं थी, वो नमाज नहीं थी, शुरू ऐसी हो रही थी, सुभानक अल्लाह उम्मत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तक वैसे ही जैसे बताई गई है, बचपन से सीखी थी, 25 साल से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर नमाज होती, नमाज वही होती तो उनकी जिंदगी में तब्दीलियां हो। जब अब फिर क्यों नहीं थी, फिर नमाज क्या है, फिर है क्या नमाज, इसे समझ लीजिए। आपकी अगर आपकी समझ में आया तो जिंदगी में आपकी लाइफ में सक्सेस शुरू हो जाएगी, कामयाबियां शुरू हो जाएंगी इस दुनिया में। नमाज आपको इस दुनिया में कामयाब करेगी, आपकी एजुकेशन में करेगी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, आपके एलुसनेस को अलग करेगी। लेकिन कैसे है क्या नमाज, बस इसे इसे सुन लीजिए और कोशिश कर लीजिएगा कि जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप नमाज अदा करने की कोशिश कर लीजिएगा। आखिरी तौर पर नहीं कर पाएंगे, कोशिश कीजिएगा, उसे मैं आगे इंप्रूव करा दूंगा अगर आपसे रब्ता हुआ। देखिए एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदगी ऐसे करना कान्ना का तराह अल्लाह कान्ना का तराह, जैसे कि तुम उसे देख रहे हो खुदा को। अब देख तो सकते नहीं, जब देखने की कोशिश करेंगे अगर तसव्वुर से तो देखेंगे ना, आंखों से तो देख नहीं सकते, जब देखने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई प्रोफाइल आएगा ना, कोई आकार आएगा, कुछ नाक मुंह अगर नहीं आए तो कुछ तो कोई शक्ल आएगी, तस्वीर आएगी ना। तो फिर जब ये आएगी जहन के अंदर और वो तो अगर कोई तस्वीर आ गई तो वो है नहीं, फिर वो खुदा नहीं है, तो फिर देखने का तसव्वुर कैसे करें? बताया ये था कि ऐसे अदा करना कि जैसे कि तुम उसे देख रहे हो, ये नामुमकिन है। तो उन्होंने कहा नहीं कर सको, अगर जब तुम नहीं कर सको, अब आगे का फिर ये बताया कि कैसे पहुंचना, तो वहीं तक है। हमने कुछ औलिया की कुछ और बुजुर्गों के बारे में सुना है कि वो उन्होंने देखने का तसव्वुर कर लेते थे, तो उन्होंने बताया कि आम लोग क्या करें। देखो ये सवाल हिंदू मत में भी उठा था प्राचीन काल, मूर्ति पूजा वहीं से आई है, उनके यहां बेपनाह अहमियत है ध्यान केंद्रित करने की, तवज्जो मरकूज करने की, जो आपके यहां से निकल गए। जब ईश्वर है कोई तो उस पर हमें ध्यान देना है। अब ध्यान केंद्रित करने के लिए जब उस निराकार का जो बहरे मुजस्सम है, जो बॉडीलेस है, जब उसका ध्यान तसव्वुर नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने कुछ रखा, कोई बिंदु रखे, कोई पत्थर रखा, बाद को वो आकार बनते, तस्वीरें बनती चली गई। पैगंबर ने उसका सलूशन बताया, प्रॉब्लम यही बताई थी कि तुम नहीं कर सकते और आना यहीं तक है तुम्हें, कि वो जो जिसका शक्ल सूरत नहीं कैसे देखने का तसव्वुर है, कहा कि अभी मत करो। फिर फरमाया कि ऐसा करना कि ये सोचो मत कैसा है, तसव्वुर ये करना कि वो यहां है हमारे साथ है और वो हमें देख रहा है, ये मत सोचो कि तुम उसे देख रहे हो, यहां से स्टार्ट। यही नमाज में भी होना था। अगर आपने नियत बांध ली, नियत बांधने के बाद इमाम साहब मस्जिद में गए, इमाम साहब कुछ तिलावत फरमा रहे, अल्लाह अकबर की आवाज है, रुकू में चले गए, अल्लाह अकबर की आवाज है, जहन आपका चल रहा है अपने दोस्तों के अंदर, जहन चल रहा है बहुत से और कामों के अंदर, ये चारों तरफ हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा है, ये बड़ों के साथ भी हो रहा है। तो फिर ये कैसी नमाज है कि जिसमें अपने झगड़े भी निपटा रहे हैं, जिसके अंदर अपने रिश्ते भी जा रहे हैं, और सब कुछ सब तरफ चल रहा है, और उनका नमाज पक्की हो गई। कैसे हो गई? हाथ ऐसे ही बांधे थे, यही पर बांधने चाहिए थे, इसलिए अगर पांव इतने खुले हुए थे या नहीं खुले हुए थे, ऐसे अगर ऐसे खुले हुए थे नमाज पक्की हो गई, ये पक्की हो गई। जरा सा भी जहन चारों तरफ जो है वो दुनिया की बहुत सी खुराफात के अंदर घूमता रहा, चाहे अच्छी बातों में चाहे बुरी के अंदर, किधर नमाज है? अल्लाह के लिए अगर अदा की थी तो उसका तो ख्याल ही नहीं आया। अब शुरू जो होती है उसकी जो नियत है, अरबी में मत करें आपको याद नहीं होगी, नियत आप दिल से होती है, शुरुआत जो करें वो शुरू यहां से होगी, उसकी नियत है इन्नी वजह तो वजह लिल्लती फतवा समावत वलानी को हमारा मेरा मुशकिन तर्जुमा सुन दीजिए, वो ध्यान में ले आइए। इस वक्त मैंने अपनी सारी तवज्जो को, सारी अटेंशन को कंसंट्रेट कर दिया है उस हस्ती उस दात की तरफ जिसने ये सारी यूनिवर्स, सारे ये आसमान, तो बहुत ये आसमान जो है जिसे हमारे यहाँ आसमान कहा जाता है या साइंस जिसे कहती है, इसकी हद पहले कुरान जिसे पहला आसमान कहता है उसकी लिमिट तक नहीं पहुंची अभी, पहले बढ़ता चला जा रहा है, आगे फास्ट में बढ़ते जा रहा है, फिर सेकेंड सिस्टम और थर्ड और फोर्थ और सेवन उस
करवा लेंगे। कहता ये सब कुछ जिसने क्रिएट किया, क्रिएट ही नहीं किया, मुझे वजूद में लाया, नहीं तो हो गया, वो जो है उसके सामने हूं उस वक्त में, तो वो कितना बड़ा है आपसे, कितना है? इस जमीन के मुकाबले में आपकी हैसियत क्या है, इस जमीन की, इस सोलर सिस्टम के अंदर कितनी हैसियत है, अभी भी नहीं जैसे रेगिस्तान में एक दर्रा, इस सोलर सिस्टम की हमारी पूरी गैलेक्सी के अंदर, कहकशा के अंदर इतनी हैसियत ही नहीं जैसे पूरे रेगिस्तान में एक दर्रा हो, और हमारे इस ये जो जितने नॉन यूनिवर्स है इसके अननोन यूनिवर्स के अंदर इतनी हैसियत ही नहीं जैसे रेगिस्तान के अंदर एक दर्रा हो, तो फिर हमारी क्या हैसियत है इस पूरी कायनात के अंदर, और फिर हमारी क्या हैसियत है उसके सामने जिसने इसे क्रिएट किया, हमारी क्या हैसियत है। तो इस नियत के साथ में बेटे फायदा नहीं होगा, सच कह रहा हूं, आपकी जिंदगी समझ जाएगी, सुन लीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिएगा, काट कर फेंक दीजिएगा, कहिएगा ऐसी फुकूल बन गए, लेकिन आप सुन लीजिए आपके बहुत काम आ जाए, वाकई आए, मैं ईमानदार, और ये है आपको पूरा राइट है कहे के ऐसी बातें बता के, बात तो छोड़ दीजिए लेकिन इसको सुन लीजिए। तो इस नियत के साथ में आपको स्टार्ट कर दिए, इस नियत के साथ में हर एक को स्टार्ट कर लिया। जब आपने ये कहा कि मुझे कंसंट्रेट करना है उस रात के ऊपर जिसने इस पूरे कायनात ही ने ये आसमान और जमीन सातों उसको जितने क्रिएट किया इस वक्त उसके सामने हो, तो आपकी हैसियत क्या बनी? बिल्कुल रेगिस्तान में रहने की भी नहीं है, कितना बड़ा है, असल में तो यही मतलब था अल्लाह अकबर का, अल्लाह बड़ा बस कह दिया, मुझे कह दिया अल्लाह अकबर, झुक गए मुझे कह दिया अल्लाह अकबर, खड़े हो गए, इस तसव्वुर के साथ में उसके आगे इतना सा और वमा अना मिनल मुशरिकीन, इस दुआ नियत के अंदर आप अपनी जबान में कहें और मैं शिर्क नहीं करूंगा। यहां पर शिर्क के माने शिर्क आप समझते होंगे ना, इतना तो शिर्क इतना समझते होंगे, शिर्क अल्लाह के साथ में किसी दूसरे को साझी बना लिया, शरीक कर लिया, मैं शिर्क नहीं करूंगा। यहां पर इसके माने है कि अब इस नमाज में अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं आएगा, ये नमाज का शिर्क हो जाएगा। अब यहां कितने लोग है, कौन ये दावा कर सकते हैं कि मैं बड़ों की बात कर रहा हूं, आप लोगों के लिए जो पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कौन ये बता सकता है कि नहीं हमारी नमाज में तो कोई नहीं आता, हम कुछ और नहीं सोचते, सिर्फ अल्लाह पे तवज्जो रहती। दिक्कत यह है कि फिर बंदगी किसकी कर रहे हैं, बात यहां से शुरू करेंगे, कंसंट्रेट करना था, इस कंसंट्रेट करने को आज की जबान में मेडिटेशन कहते हैं, इस कंसंट्रेट करने को हमारे यहां जब लोग नहीं कर पाते थे तो बाहर से दिखाया गया, इसे वहां पर हमारे यहां पर बुजुर्ग जो थे वो मुराकबा कहा करते थे, इसे हिंदू धर्म के अंदर ध्यान कहते हैं, नाम ये सब अलग अलग है। इसमें होता क्या है, बड़ी साइंटिफिक बात है, जब किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो, किसी ऐसे के सब तरफ से कट जाए, इसे कहते हैं ट्रांस में आना, ये वर्ड सुना आपने साइकोलॉजी का है, ट्रांस में आ गए, सब तरफ से कट गए, जब ट्रांस में आ जाए कोई, उस वक्त अगर कुछ बाहर से कोई कुछ कह रहा हो अच्छी इंप्रेसिव आवाज में, इन्हें सजेशन कहते हैं उसके अंदर साइकोलॉजी की लैंग्वेज के अंदर, तो फिर वो जो है वो दिमाग में बैठता चला जाता है, ये प्रोसेस हाइप्नोटिज्म में भी यूज होता है, कि पहले कंसंट्रेट एक तरफ करा है, जब सब तरफ से कट गए हो उस वक्त फिर कुछ बातें जो है वो कही जाए, नमाज में ये प्रोसेस था जो अल्लाह ने रखा, कि उस वक्त कुछ बातें कही गई जब सब पहले उसकी तरफ पूरा ध्यान जब सब तरफ से कट जाए। अब उससे पहले तो नमाज शुरू भी नहीं होगी, तो माना कि अल्लाह अल्लाह अकबर ये शुरू भी नहीं होगा, अभी मौजूदगी का तसव्वुर ही नहीं किया। तो अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं शॉर्ट तरह, अब नमाज कुछ है, कुछ नमाजें कुछ करके देखिएगा, खाली दो रकात आप करके देखिएगा मजा आएगा, आंखें बंद कर लीजिए इस वक्त नहीं, मैं समझा रहा हूं आपको, फिर सिखाऊंगा बात को, आप आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करके इसलिए कि आंखें बंद करने को इसलिए कह रहा हूं कि डिस्ट्रैक्शन होते हैं, आंखें खुली थोड़ी दूर तक रेंज में कुछ ना कुछ चीजें नजर आती, ये सब डिस्ट्रैक्शन, ये डिस्ट्रैक्शन रुक जाए, अब तसव्वुर उसका करना है कि अल्लाह हमारे साथ ही, ये नहीं सोच रहा कैसा है, और जब ये थोड़ा सा कुछ फीलिंग आ जाए उस वक्त अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधे, फिर दरमियान में कहीं स्लिप हो जाएगा, जब आप रुकू में जाए अल्लाह अकबर फिर का फिर एकदम बोले अल्लाह अकबर के अलर्ट है, कह रहे वो ये इतना बड़ा मालिक इस वक्त उसके सामने, इसको भी सोचा ये हर अल्लाह अकबर के साथ में वापस उधर आ जाए, शुरू में आदत नहीं होगी, ये कंसेंट्रेशन थोड़े दिनों में चंद दिनों में होने लगेगा, आदत पड़ता है। इस आदत से क्या होता है ये मैं अभी बताता हूं, लेकिन इससे पहले इतनी सी बात और सुन ले कि ऐसा लोग मुझे गुस्से कहते हैं कि हम ऐसे हम कंसंट्रेट कर नहीं पाते, कुछ ना कुछ ख्याल आता है, आप लोग रोज करते हैं, रोज इस तरह का आपका बिना नावा रोजाना आपके साथ ऐसा होता है, कोई बहुत इंटरेस्टिंग टीवी सीरियल है
जब उसमें बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाते तो होता ही है कि उस टीवी सीरियल के अंदर टोटली एब्जॉर्ब हो जाए तो फिर उस वक्त ऐसा होता है कि कोई बोला सुनाई नहीं दिया, कोई सामने से गुजर गया नजर नहीं आया, आंखें खुली हुई थी, कोई बहुत इंटरेस्टिंग आप स्टोरी पढ़ रहे नॉवल पढ़ रहे और उसके अंदर एब्जॉर्ब है, किसी ने आपसे कुछ कहा सुनाई नहीं देता, कोई गुजरा सामने से आंखें खुली नजर नहीं आ, ये होता है ट्रांस में आना। सब तरफ से कर चुके हैं, आंखें खुली है नजर नहीं आया कुछ और, जो चीज एक जिधर उस तरफ कंसंट्रेट कर रहे थे, ये कंसंट्रेशन आपका लगातार होता रहता है, बस सिर्फ इसमें नहीं कर पाते नमाज में, शुरू में जरा सी आंखें बंद कर ले और उसके बाद फिर थोड़ी देर तसव्वुर करें, थोड़ा सा तसव्वुर जब आए हर अल्लाह हू अकबर पे दोबारा अलर्ट कर ले, जब इसकी कुछ दिनों में आदत पड़ जाए, और मैं इसकी प्रैक्टिस अलग से कराऊंगा अगर यहाँ पर मैनेजमेंट ने तय किया और अगर रफी साहब ने कहा या अब्दुल सलीम साहब ने कहा, मैं इस पर बात करूंगा, तो मैं ऑनलाइन जो लोग सीखना चाहेंगे, जो नहीं सीखना चाहे रहने दें, ऑनलाइन जो सीखना चाहेंगे मैं कराऊंगा, और मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ गारंटी से आपकी सबकी जिंदगी है यहाँ इस दुनिया के अंदर आप कामयाब होंगे, दूसरों से सुखी रहोगे, इसलिए कि वहां आईएमए में कैसे पहुंचा था, मुझे मैनेजमेंट नहीं आती, मैंने इस समाज के बारे में बात की, उन्होंने जब मुझे पहली मरतबा बुलाया आईएमए के लेक्चर के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में, उन्होंने अपने स्टूडेंट से मेरा तारुफ कराया, तो स्टूडेंट से कहा कि ये गुजराती लोग भाई कहते साथ में लगाते हैं, अरे भाई कौन है मैं ठीक से नहीं जानता, ये मेरा वो इंट्रो करा रहे, ये मुझे पता चला है कभी कभी अहमदाबाद आते हैं, यहाँ इनकी क्या एक्टिविटीज है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ इनसे एक दिन चांस मुलाकात थी और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, उसमें इन्होंने मुझे नमाज के बारे में बताया था, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे स्टूडेंट्स को नमाज के बारे में बताएं, अब वहां मुझे बुलाया गया वहां से आई एम के स्टूडेंट से गैर मुस्लिम सारी एक भी मुसलमान नहीं, और मुझसे कहा गया इनको नमाज के बारे में बताइए, फिर उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि मुसलमान मैंने जो कुछ उनसे सुना है मुसलमान चाहे नमाज ना पढ़ सके, चाहे मुसलमानों के बस की ना हो नमाज तुम लोग सीख लो तुम्हारी जिंदगी में काम आए, तो ये उन्होंने आई एम अहमदाबाद के स्टूडेंट से ही बात की, ये अब मैं अपनी अपना दावा नहीं कर रहा, अब मैं आपको इतनी बड़ी अथॉरिटी की मैं बात बता रहा हूँ, आप में से जो कामयाब होना चाहिए, उन्होंने कहा कि तुम सीख लो मुसलमानों के बस की नहीं है, ये बात उन्होंने हिंदू स्टूडेंट से कही, जब ये इसलिए कि उन्हें ध्यान करना नहीं आता, तसव्वुर जमाना नहीं आता, ध्यान केंद्रित करना नहीं आता, तवज्जो मरकूज करना नहीं आता, अहमियत खत्म हो गई हिंदुओं की, अहमियत गलत जगह कर रहे हैं, यहाँ पर जगह सही है जहां जिसकी इबादत कर रहे हैं बंदगी की, ये ध्यान जो है ये खत्म हो गया, अब इतनी सी बात और सुन ले कि ये मैं फिर को आपको लॉजिकली समझाता हूँ कि जब किसी चीज की प्रैक्टिस हो जाती है थोड़े दिन बाद प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे आपने बाइक चलाना सीखी, शुरू में जब आप बाइक चलाते थे तो सोचकर चलाते थे कि कब एक्सेलेरेटर देना है, सीखने के दिनों में कोई आ जाए तो आगे से निकाले या पीछे से कब ब्रेक दबा ले, थोड़े दिनों में प्रैक्टिस हो जाती, जब प्रैक्टिस हो गई आप फर्राटे से चलाते जा रहे, बच्चे ने सड़क क्रॉस की, आपने झुकाई दे के पीछे से निकालना था तो पीछे से निकाला, आगे से निकालना था ब्रेक लगाने थे या स्पीड बढ़ानी थी, बिल्कुल सही फैसला करते चले गए, और असल में सोचते हुए जा रहे थे कुछ अपने फ्रेंड्स के बारे में, सड़क पर ध्यान ही नहीं था, फिर भी सही फैसले करते हुए गुजर गए, ये कैसे हो गया, वहां ध्यान ही नहीं था, शुरू के दिनों में सीखने के दिनों में जरा ध्यान रखता तो एक्सीडेंट हो जाता, ये प्रैक्टिस जो होती है वो स्टोर हो जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है जिससे आप इसको सुन रहे हैं, जो प्रैक्टिस होती है वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है, वो सबकॉन्शियस माइंड का आपको पता नहीं चलता और डायरेक्ट वहां से ऑर्डर आता है, आपका कॉन्शियस माइंड कहीं पर भी हो कुछ कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर होती है वहां से ऑर्डर आता है तुम्हें ये करना था तुम्हें ये करना था, जब आप किसी तरीके से अल्लाह की प्रेजेंस के ऊपर कंसंट्रेट करने लग जाए नमाज के अंदर तो फिर आप कुछ भी कर रहे हो डायरेक्ट ऑर्डर आता है कि ये नहीं करना था इनको नहीं सताना था बेईमानी नहीं करनी, तो समाज के लिए सोसाइटी के लिए भूल हो जाते हैं नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात यही एक तस्वीर कीजिए एक घने जंगल का जहां दूर तक कोई बस्ती नहीं है, एक पगडंडी जा रही है रात का वक्त खूब अंधेरा जिसमें कुछ भी नजर नहीं आता, एक खूब अंधेरा उस पगडंडी में जा रहे हैं बिल्कुल अंधेरा हाथ भी नजर नहीं आता किसी जगह, अब अगर ऐसे अंधेरे के अंदर अगर जब अंधेरा होता है तो अच्छे अच्छे लोगों को डर लगने लगता है, अगर तन्हा है और अकेले डर बाद लोग भूत प्रेत से डरते हैं, बाद लोग डाकू आ जाएंगे, बाद लोग इससे डर सकते हैं कि यहाँ पे जंगली जानवर होंगे,
लेकिन डर लगता है जब अंधेरा हो और दूर तक कोई ना हो। ऐसे अंधेरे में अगर एक बच्चा भी साथ में जा रहा हो तो डर कुछ कम हो जाता है। बच्चा तो लाइबिलिटी है, कोई अगर सामने से अगर कोई जिन चीजों से डर रहे थे उसमें सचमुच आ जाए तो खुद बचे या बच्चे को बचाए। लेकिन ये ह्यूमन साइकी है, ये इंसान की नफ्सियात है कि डर कम हो जाता है अगर कोई साथ में हो, चाहे वो बच्चा ही हो। अगर एक बच्चे के रहने से डर कम हो जाता है तो अगर आप उसको जो सारी कायनात का मालिक है साथ ले ले तो जिंदगी में डर नहीं बचेगा, खौफ नहीं बचेगा, अंदेशे नहीं बचेंगे, पास होंगे नहीं होंगे, याद होगा या नहीं होगा, ये काम पूरा होगा या नहीं होगा, ये है तो साथ में, हम गाड़ी में जा रहे हैं, रास्ते में खतरे, एसपी साहब साथ में बैठे, मुझे क्या डरना, ये साथ में है ना, डर खत्म, उसको साथ में ले लीजिए। साथ में तो है हर एक के, मानते हैं आप, कहते हैं अल्लाह हमारे साथ, हिंदू भी कहते हैं हमारे साथ, हर जगह है वो, तो वो लोग कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं, साथ का एहसास होती है, असल चीज एहसास नहीं। उसी अंधेरे के अंदर, उसी डार्कनेस के अंदर अगर ऐसा हो कि ये कह दिया जाए कि गार्ड्स कवर किए हुए, तुम्हें डरना मत, अकेले जा रहे हैं, और गार्ड्स भेजे ही नहीं गए, समझ ये रहे कि गार्ड्स कवर किए हुए तो डर नहीं लगता। और उसी अंधेरे के अंदर अगर गार्ड्स कवर किए हुए हो, चल रहे हो और बताया ना गया, समझ रहे हो अकेले जा रहे हैं तो डर लगता है। तो गार्ड्स के होने या नहीं होने पर डर नहीं होता, ये इस एहसास से कि है हमें सपोर्ट करने वाले या नहीं, इससे डर खत्म होता है। तो ये अल्लाह की मौजूदगी को तो आप मानते हैं, उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं, ये एहसास आ जाए तो फिर जिंदगी की कामयाबियां शुरू हो जाती, हर चीज में कामयाबियां मिलनी शुरू हो जाती है। ये साथ में है ना, अगर कोई सेटबैक हुआ ये संभाल लेंगे ना, मेरे साथ में है, इनसे इससे बड़ी तो ताकत ही नहीं किसी की, तो जिंदगी में से ये दो चीजें खत्म हो जाती हैं। और ये दोनों चीजें जॉइंट किलर्स हैं, आपकी जिंदगी जितने स्ट्रेस आते हैं वो सब खौफ और गम इन दो चीजों से आते हैं। जितने स्ट्रेस आते हैं, जितने डिप्रेशन आते हैं, जितनी एंग्जाइटीज आती हैं, जितने सुसाइड होती हैं, खौफ या गम इन दो चीजों से होती है। कुरान ने कहा ये खत्म हो जाएंगे। उसे साथ लेने का तरीका ये है कि ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए कि वो हमारे साथ में है नमाज के अंदर। अगर उसकी मौजूदगी का तस्वीर नहीं हुआ तो कैसी नमाज, और चारों तरफ जहन घूम रहा है, जहन भटकी का शुरू, उसको थोड़ा सा आदत कुछ दिनों में पड़ जाएगी, फिर पड़ जाएगी तो वहीं से फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन आपकी जिंदगी में तब्दीलियां शुरू हो जाएंगी। और अगर पॉजिटिव तब्दीलियां आए तो फिर मान लीजिएगा कि अल्लाह का कलाम भी सच्चा, नमाज भी सच्ची और खुदा है। मैंने आपको प्रैक्टिकल सबूत दिया है, हम पोजिशन से चलते हैं ना, अभी फर्ज कर लीजिए कि है, और फर्ज कर लीजिए कि हुक्म भी ठीक था, करके देख लीजिए, करके देखने के बाद वो रिजल्ट आता है या नहीं आता है, कि सोसाइटी के लिए भी आप रहमत बन जाए, लोग आपसे मोहब्बत भी करने लग जाए, आपकी जिंदगी की कामयाबियां भी शुरू हो जाए, आपके स्ट्रेस भी खत्म हो जाए, आपके टेंशन भी खत्म हो जाए। ये सारी चीजें इस एक से होती है, एक नमाज इसको ठीक कर ले। उस कंसंट्रेट करना मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊं, भारत से वो सिखाने का मौका, जाहिर बात है कि यहाँ मैं दिल्ली से भी मैं बहुत दूर रहता हूँ, वहां से कार से, कार मैंने वहां छोड़ी दिल्ली में, और फिर वहां से मैं यहाँ पर आया, तो फिर रोज जल्दी जल्दी तो आना नहीं होगा, बहुत दिनों में नहीं आऊंगा, तब तक आपके जहन से बात निकल जाएगी। अगर आपके मैनेजमेंट ने ये इजाजत दी कि कभी भी मैं आपको एक घंटे के लिए लेकर बैठूं जूम मीटिंग के ऊपर ऑनलाइन, और फिर मैं वहां पर आपको सिखाऊं कैसे कंसंट्रेट करें, तो ये कंसंट्रेट करना आपकी जिंदगी बदल देगा, वो नमाज में भी आने लगेगा, और वहां से आपको उसकी मौजूदगी का एहसास होगा साथ में है, और वहां से आपकी कामयाबियां स्टार्ट हो जाएंगी। इस जिंदगी की कामयाबियां आखिरत की तो है ही, मैंने सारी बातें यहाँ की आपकी तर्ज जिंदगी या लाइफ स्टाइल, जब तक आप इसे नहीं मानेंगे जो मैं किसी का मकसद हूं, मेरे ही सारे सारे मकसद नहीं है, जब तक इसे नहीं समझिए उस किसी की, वो जिसका मकसद है आप, उसने क्यों भेजा था, तो फिर वो चाहता क्या है, जिंदगी हम कैसे गुजारे वो तय करेगा। फिर आप ये नहीं कहेंगे मेरे पेरेंट्स तय न करे, फरा न करे, हाँ कोई नहीं करेगा, जो उसने किया है तय, फिर मैं वो करूंगा। तर्ज जिंदगी असल में वो होना चाहिए, वो तर्ज जिंदगी आप रैशनली माने, इन सबूतों के साथ में माने, और इस फाइनल सबूत के साथ में माने, जब आपकी कामयाबियां शुरू हो जाए इंशाल्लाह। फिर अगर जिंदगी रही और अगर हालात बने तो फिर मैं जूम मीटिंग के ऊपर आपको ये कंसंट्रेट करना जो है वो सिखाऊंगा, उसमें सेशन निकलेंगे कि कैसे कैसे कर सके और कैसे सब तरफ से कट सके। और आपको इमीडिएटली उसी एक सेशन के अंदर आपके कम से कम 80% लोगों को, कुछ को बहरहाल नहीं भी होगा, लेकिन कम से कम 80% लोग उसके बाद कहेंगे कि मुझे तो फील गुड, जिसे कहते हैं कि बड़ा जबरदस्त मेरे अंदर तो अभी चेंज आया, इसी वक्त वो पहले ही दिन होगा इंशाल्लाह। फिर उसको हम देखेंगे बात को, उसमें आपके टीचर्स असातिज़ा वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, बड़े भी ज्वाइन कर सकते हैं, बेसिकली मैं आप लोगों के लिए। तो फिर
इस पर इस मौजू पर मैंने बहुत देर बोला, मुझसे कहा गया था कि आपके पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे भी बात कर सकते हैं। मैं पहले मैंने इसे स्किप कर दिया था, इस पार्ट को नहीं लेना था मुझे, जो मैंने सबसे आखिर में आपके सामने रखा, लेकिन फिर ये असल में तो सबसे एसेंशियल था। और फिर इसको रखने के बाद यहाँ से समझ लीजिए कि आपकी कामयाबियों का आज खाली बुनियाद पड़ी है, इससे आगे दौर शुरू होने जा रहा है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अपने पैसों से आए, मैंने यहाँ से आने की फीस नहीं ली, मैं यहाँ पर स्टे करने की फीस नहीं ली, यहाँ पर रहने की या रुकने की। और फिर यहाँ से शाइन के उनके शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के वहां पर भीतर नाम विदर में जाना है, कल वहां पर लेक्चर है, उसके बाद फिर परसों जो है वो गुलबर्ग में, तो गुलबर्ग में। तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, अपना मेरा वक्त जा रहा है, मैं यहाँ पर। और मुझसे कहा गया तो कम से कम ये कहता अच्छा टिकट ही भेज दीजिए फिर मैं आऊंगा, तो मैं अफोर्ड कर सकता था, अगर नहीं कर सकता तो कहता, लेकिन ये कि अगर कर भी सकता था बुला हो रहे हैं तो फिर मैं उनके तो कहता कम से कम टिकट ही भेज दीजिए, तो मेरा क्या मफाद है जो इतना मैं यहाँ पर आया और आप लोगों से बात करके गई। ये सवाल इन्होंने रखा कि इस सवाल का जवाब दे। तो असल में बात ये है कि मेरा जो इंटरेस्ट है या वफाद है वो इससे ऊपर है कि कुछ पैसे मेरा खर्चा जो होता वो मेरी जेब से नहीं होता, वो दूसरे पूरा कर देते, इससे कहीं ऊपर है। मुझे मालूम है, यकीन है कि इसका मतलब मुझे मिलना है, रिवार्ड मिलना है। ये यकीन जब आप में पैदा हो जाए तो उसके बाद फिर आप भी जान अपनी जिंदगी को खाली सामने नहीं लाएंगे, दूसरों के काम आना शुरू कर देंगे, ये दूसरों की जिंदगी सुधर जाए इसको सोचना शुरू कर देंगे। जिस दिन ये चीज समझ में आ जाएगी, जिस दिन ये यकीन पैदा हो जाएगा, आपको मिल जाएगा कि इसका बदला इसका रिवार्ड, इससे बहुत ज्यादा ये टिकट भेज देते इससे मुझे लाखों गुना जो है उसका रिवार्ड मिलना है, इसलिए कि मैंने कुछ जिंदगियों को बदलने की कोशिश की। आप शुरू कर दीजिए, इसके अलावा आपको बड़ा सुकून मिलेगा, यानी लोगों की मदद से, ये कुछ भी हो जो अभी किसी जगह पर आप जगह जगह जिन चीजों में फंसे कोई बात नहीं, लेकिन इतना स्टार्ट कर दीजिए कि किसी जगह पर कोई अगर आप बाइक से जा रहे एक खड़ा हुआ है वहां पर, उसने हाथ दिया कि मेरा पेट्रोल खत्म हो गया, तो आप रुक कर दे दीजिएगा थोड़ा। किसी कहीं पर कोई अगर सड़क क्रॉस करने के लिए आप देखें कि कोई बच्चे हैं या बूढ़े बार बार रुक रहे हैं, रुक कर उनको हाथ पकड़ के क्रॉस करवा दीजिएगा। ये छोटी छोटी सी चीजें बहुत सुकून लाएंगी आपकी जिंदगी के अंदर, ये रिवार्ड तो यही मिल जाता है ये सुकून, और याद रहेगा। एक बार ऐसा हुआ कि मैं ऐसी जो मैंने सुनाया आपको, वहां पर एक गांव के अंदर एक वो तीन पहियों की बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, वो टेम्पो यहाँ पे पता नहीं क्या कहते होते, उसमें वो देहाती लोग भरे हुए जा रहे थे, लेकर जा रहा था, खड़ा हुआ था एक जगह पर, मैं कार से जा रहा था, उसने हाथ दिया मैं रोका, तो उसने कहने लगा वो खत्म हो गया पेट्रोल, तो आप कुछ दे सकते हैं, कुछ निकालने का सामान ढूंढा ऊंडा पाइप उसने का मेरे पास, मैंने उसको इतना दिया, कहने इतना दे दिया कि मैं पेट्रोल पंप तक पहुंच जाऊँ, दे दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप सब भी कर सकते, तो दे दिया उसको पेट्रोल। उसके बाद उसने कहा इसके पैसे ले लीजिए हमसे, तो मैंने कहा मैं पेट्रोल बेचता नहीं हूँ, तुम्हारी जरूरत थी मैंने दे दिया, मैं सेल नहीं करता। तो मेरा वो बोला कि देखिए मैं तो इन सवारियों से पैसे लूंगा, मैं इसके पैसे काट नहीं दूंगा, मैं तो इन सबसे इसलिए ले लीजिए आप पैसे। तो मैंने कहा अच्छा फिर एक बात है, मेरा कर्जा रहा तुम्हारे, जिस दिन तुम किसी और को पेट्रोल ले दोगे उसको खड़ा दे दोगे और निकल नहीं जाओगे और रुक कर रुक दे दोगे, उस दिन मेरा कर्जा उतर जाएगा। मैं चला गया और देर तक वो सारी सवारियां बैठी नहीं, मुझे शीशे में ऐसे बैठे मेरे नजर आया वो बैठी नहीं, वो मुझे देखते रहे। ये छोटी सी बातें हैं, ये जिंदगी में इस तरह की चीजें ले आएंगी, आप जब याद करेंगे आपको सुकून हो और आपकी जिंदगी में कुछ और बदलाव भी आएंगे। सिर्फ अपने लिए मत जिए, इस सोसाइटी ने इस समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है, कुछ उसे पे बैक करने की भी कोशिश। प्रोफेसर साहब की ये बहुत बात अच्छी लगी है, दिल को छू गई कि जो है जो आपने बताया जो जो नमाज का इतनी वजह लगी कि नमाज में भी किसी से हम शिर्क नहीं कर सकते। जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो किसी को भी दिल सोच भी नहीं सकते आप, किसी का कुछ तस्वीर भी नहीं कर सकते, या किसी की कोई बात हो जहन में आ रही, अरे हम वहाँ से हमें वहाँ से पैसा आना, ऐसा कुछ भी हमारे दिल में ये ख्याल आता है तो ऐसी कोई भी छोटी चीज़ भी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आना चाहिए। सिर्फ जब खुदा के सामने हम लोग खड़े होते हैं तो उसी के सामने हम खड़े हैं, बस उसी का तस्वीर करना चाहिए। ये बहुत बात मुझे अच्छी लगी है।
एक दो बच्चों से और चाहती हूँ। आपने जो पूरा लेक्चर सुना, चाहे उसका आप मुझे जस्ट बता दें, खुलासा बता दें, या कोई खास बात जो आपको बहुत अच्छी लगी हो कुछ भी बता सकते हैं। या ऐसा नहीं है कि आपके टीचर्स बैठे हैं, कोई बॉप की बात है, यहाँ आपसे इंटरेक्शन हो रहा है, उन्होंने बुलाया इसमें अलावा से आपको ताकि आप कुछ सीख सके, इसमें जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, कुछ बदलाव आए, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। नाम बताइए अपना, क्या कर रहे हैं आप? कृष्ण बोली जी 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 My name is Mohammad Mustafa Ahmed. I'm studying 12th year. Everything the sir said was really amazing. It was brilliant. The part of the namaz about meditating in the namaz, it was really amazing. It was heart touching. I felt amazed by his words. It was really a good feeling sitting in this crowd, listening his words. It was everything was touching my heart. The way he explained about the meditation, the concentration we need in our life was really amazing. I would like to thank him for it. It was really needed for our children. Thank you so much. Thank you. और कोई बताएगा कोई और पॉइंट सेम भी अगर बताना चाहे, और यहाँ में आके तारीफ करें, अच्छी बात है, नेचुरली आपने सीखा, आपको अच्छा लगा। जी आइए। अब्दुल रहीम है, मैं अभी जूनियर बाईपीसी में हूँ। मुझे एक बात अच्छी थी कि अपने अंदर जो फीलिंग हमेशा दबी हुई थी वो उन्होंने एक्सप्रेस किया सबके सामने, जो हमेशा से अपने अंदर दबी हुई थी वो सर ने हर एक पॉइंट बताया जो आप सबको मालूम होना चाहिए था, जो किसी से शेयर नहीं कर सकते थे, किसी को बता नहीं सकते थे, वो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया पूरा। अपने आप आए, आप बुलाना नहीं पड़े, अपने आप आइए, बताइए कोई अगर कुछ बताना चाहता हो लेक्चर में से, कुछ ऐसा जिसमें आपको बहुत टचिंग लगा हो, कुछ आपने कुछ नया सीखा हो। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुहेल, जूनियर बाईपीसी से। सर की बात से मैं कोई ये बात बहुत समझ में आया कि जब तक हमें कुछ समझ में नहीं आए उसे करना नहीं चाहिए, यानी जब तक हम उसे अपने दिमाग में अपने दिल में ना बिठाए हमको अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता। वो सर के बाद से मेरे को ये समझ में आया कि जब तक हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हमें वो करना नहीं चाहिए, इसलिए हर बात को सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी ने कहा और अमल कर लिया, बस इस हर बात को अपने समझ कर और खुद से दिली नीयत से करना है। बहुत अच्छे, और आपने एक बार एक नया माइंड रखा, लेकिन बस एक मॉडिफिकेशन आपको जो आपने कहा ये अच्छा है, लेकिन थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ थोड़ी सी करनी। देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक दौर वो था जब उन्होंने कहा कि रबी अरिनी क्या था तुमने मौका, मेरे रब मैं देखना चाहता हूँ मुझे कैसे जिंदा हो गए। आला आलम तुम्हें अल्लाह ने बताया तुम्हारा ईमान नहीं क्या, अब रघू है क्या तुम्हारा ईमान नहीं, ये मुर्दे को तभी तुम ये कह रहे हो, भला ईमान तो है, दिल का यकीन और हो जाए, थोड़ा सा उसमें इजाफा हो जाए, उसके आगे जो कुछ हुआ उसे तुम्हें छोड़ रहा। लेकिन एक दौर हमें इब्राहिम का ये था, उससे भी पहले जब रसूल भी नहीं थे, बचपन से तौहीद पर आ गए थे, चांद को देखा, तारों को देखा, सूरज को देखा, सोच रहे थे ये कैसे रब हो सकते हैं जिन्हें लोग पूछ रहे, इनको तो कोई चलाने वाला है, मेरा रब होगा, खुद अपने लिए सोचते थे क्या इनकी पूजा करूं, फिर जाते हैं कि नहीं इनकी नहीं कर सकता। तो एक दौर वो था जब वो सिर्फ अकल से समझ कर मानना चाहते थे, जैसे आपने कहा ये दौर था। उसके बाद जब एक बार साबित हो गई, फिर साबित हो गई और फिर अल्लाह के साथ में ताल्लुक बढ़ता चला गया, और फिर मोहब्बत एक मोहब्बत मोहब्बत के बाद फिर उसे इश्क का मकाम कहते हैं वो आ गया। उसके बाद एक दिन ख्वाब देखा, बेटे के गले पर छुरी चला रहे, निकलो था बेटा, नबियों के ख्वाबों की भी ताबीरें होती, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुरान में ख्वाब देखा
ग्यारह सितारे, ग्यारह सैयारे और सूरज और चांद सजदा कर रहे हो, ये बचपन में देखा तो ताबीर पूरी हुई जमाने के बाद जब वो किंग हुए तो उनका ये थी उस ख्वाब की ताबीर। तो ख्वाबों की ताबीरें भी होती, उन्होंने सोचा होता कि ऐसे कैसे किसी इंसान के गले पे छुरी चला दे, इसकी कोई ताबीर या ये कि रसूल है, बात समझ में नहीं, अल्लाह के पास से हुक्म और आ जाएगा क्लैरिटी के साथ में। वो तो उन्होंने यही सोचा और कहा कि अच्छा ये अल्लाह की तरफ से हुक्म हो रहा है तो मुझे, और लेकर चल दिए। और जाने के बाद उन्होंने अपने हिसाब से तो छुरी चलाने की बात पूरी कर दी, जहां फिर अल्लाह ने रोका रोको और कहा कि ये ख्वाब ही तो दिखाया था, ये कुरान ने कहा हर सद्दा अख्तर हो या ये ख्वाब को सच्चा क्लियर करके दे रहे हो, ख्वाब ही तो दिखाया था। उसके बाद फिर एक बात और, आप स्टूडेंट से ज्यादा सोचते थे, आउट ऑफ कोर्स आ जाए बिल्कुल कुछ, फारसर बेचैन हो जाए कुछ, या एक दो जो है वो लगातार लगे हो सिंसियरली के, अच्छा इसी की कोशिश करेंगे कुछ, ये स्पिरिट जो है जिसने पेपर बनाया है या वो अगर देख रहा हो, एग्जामिनर देख रहा हो, तो वो देख रहा था जिसने इम्तिहान लिया, हमने इब्राहिम को ये सर्टिफिकेट दिया कुरान के अंदर हमने तो बड़ा सख्त इम्तिहान ले लिया, तो वो चीज दे दी, इतना सख्त नहीं होना चाहिए था, इतना बड़ा इम्तिहान हमने ले लिया, वहां सोचा नहीं था कुछ, फौरन अमल कर डाला। शुरू में सोचते थे, सोचने के बाद सही नतीजे पर पहुंच जाइए पहले, जब 100% मालूम हो जाए कि हाँ ये बात रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल सच्चे हैं, अल्लाह की जात जो है उसने जो कुछ कहा है अल्लाह ने वो सच्चा है कुरान में, जब पहले इसे सोचकर ही मानिए, जब इस नतीजे पर पहुंच जाए तो फिर उसके बाद बात चीजें समझ में नहीं आएंगी कभी कभी, अमल फिर भी करिए, यानी कि समझ कर ही मानिए, अमल फिर भी कीजिएगा, अमल कर डालिएगा, हाँ उसकी हिकमत मोटी मोटी पूछिएगा और खुद भी समझने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह कभी आएगा। पॉइंट और अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, जो बात आपने समझी हो और डिटेल में आ गई होगी। अच्छा देखिए, फोकस की बात है, सर ने बहुत डिटेल के साथ यहाँ पे फोकस को रखा था और दो तीन बार बीच बीच में कुछ चीजें हुई जिसके ऊपर आपकी तवज्जो वापस मरकूज करवाई, जैसे यहाँ पर स्टैंडिंग गिरी, सारे लोग मुड़ के देखने लगे कि ऐसे ही, जैसे बहुत से एग्जाम्पल कार ड्राइविंग के रखे थे, जब आपने देखा होगा अगर आप में से अभी बच्चे हैं पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं तो अभी ड्राइविंग नहीं करते होंगे, लेकिन आप में से हर एक कार में बैठा होगा, आपने देखा होगा जब ड्राइविंग कर रहा होता है ड्राइवर, उसके आगे एक बड़ी स्क्रीन होती है जिससे उसे आगे का सब कुछ दिख रहा होता है, एक छोटा सा भी होता है जैसे बैक व्यू मिरर कहते हैं जिसमें पीछे की चीजें नजर आ रही होती है, अगर ड्राइवर ड्राइविंग करते टाइम सिर्फ पीछे का देखता रहेगा या बहुत ज्यादा उसको देखने लगेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये फोकस है कि फोकस सामने रखना है, कभी कभी नजर डाल लेनी है अपने पास्ट के ऊपर भी, उसको लेते हुए चलना है, उसके एक्सपीरियंस से सीखना है पीछे से क्या आ रहा है या पीछे आप किसे छोड़कर आगे, लेकिन मेन फोकस आपका आगे होना है, अपने आप को आपको फोकस्ड रखना है। अगर आप फोकस नहीं होंगे, निगाह वहां गई थी, ये बहुत नेचुरल था, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि कोई चीज गिरी निगाह गई, उसके बाद इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था कि फौरन तवज्जो वापस यहाँ आ जानी चाहिए थी, और वो फोकस किस लिए नहीं है वो सर ने बताया कि आगे उसे कैसे इम्प्रूव करेंगे। एक पॉइंट और सिर्फ जो मैं रखूंगी, मैं टाइम नहीं लेना चाहती आप लोगों का बिल्कुल, लेकिन एक चीज जो स्टूडेंट्स के नाम पे जहन में आती है, जो हर एक के, अगर आप गूगल पे भी कुछ भी स्टूडेंट या कुछ भी आप डालेंगे तो फौरन टिप्स आने लगेंगी कि आपको कैसे अच्छे ग्रेड्स चाहिए, आपको कॉम्पिटिशन्स कैसे क्लियर करने हैं, आप कैसे ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं, वो सब बहुत अच्छी चीजें हैं, हमें कॉम्पीट करना है, लेकिन एक कॉम्पिटिशन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम में हमको बताया फस्तबिकुल खैरात, कि भलाइयों के लिए सबकत करो, कॉम्पिटिशन करो, कॉम्पिटिशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कॉम्पिटिशन करें कि मैं और अच्छी बन जाऊं, मैं और अच्छा बन जाऊं, मैं जैसा इंसान अभी हूँ उससे और अच्छा बन जाऊं, मेरा भाई अच्छा है उसके लिए कुछ मैं और अच्छा करूँ, अच्छे बनने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। हम आके बैठे, हमने ये शर्ट्स पहने हुए, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, इसके पीछे लिखा हुआ है, तो मुझे कई बच्चों की आवाजें मेरे कान में सुनाई दी, पीछे से आवाज आई वर्क फॉर कंपैशन, ये हमारी थीम है, जो हमारी जिंदगी की थीम होनी चाहिए, जो टैगलाइन है हमारी। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वामा मा यनफउ नास व यनफउहुम फिल अर्थ, के जमीन में सिर्फ वही चीज रुकेगी जो नफा बख्श होगी, जो दूसरों को फायदा पहुंचाएगी। मैंने जो कुछ सीखा, मैं यहाँ जो कुछ बोल रही हूँ, मैंने सब कुछ अल्लामा साहब से सीखा, वहां से इस्तेफादा किया, अल्लामा साहब ने बताया जिंदगी का मकसद जहाँ बताया कि कुंतुम खैरा उम्मतें उखरिजत लिन्नास, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो,
वहां साहब ने ये भी बता दिया कि कंडीशन है, ऐसे ही बेहतरीन उम्मत नहीं हो, बेहतरीन उम्मत तब होगे जब तुम लोगों की भलाई के लिए काम करोगे, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर एक की भलाई के काम करोगे। और उसके मैंने अपने एग्जाम्पल सुनाए, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल सुनाया, इससे भरी पड़ी है जिंदगी। और हमने ये बताया कि हम अपना मकसद ये बना लें, अपना कैरेक्टर ये बना लें कि हमें दूसरों की मदद करनी है, हमें कंपैशन के काम करने, सुकून अपने आप जिंदगी में आता चला जाएगा। इसी के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको सिर्फ सारे जहानों के लिए सिर्फ और सिर्फ रहमत बनाकर भेजा गया। हम ये दावा करते हैं कि हम नबी के उम्मती हैं, तो नबी के अगर उम्मती हैं तो नबी के उसूलों पर हमें अमल करना होगा, हमें रहमत बन के दिखाना होगा। दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि मुसलमान रहमत होते हैं, हर एक के लिए रहमत होते हैं, बिला इस्तिस्ना रहमत होते हैं, फिर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करते कि ये हिंदू है या मुसलमान है। जब हम ये अपने अंदर ले आएंगे, जब हम ऐसे मदद करना सीखेंगे, जैसे एक छोटा सा वाकया लम्हा साहब ने सुनाया था, चाहे वो किसी कोई जानवर हो, चाहे वो कोई बिल्ली आपको नजर आए जो आपको भूखी लग रही हो, चाहे वो सड़क पे कोई कुत्ता नजर आए जो आपको प्यासा लग रहा हो, चाहे वो कोई इंसान हो या पेड़ पौधे हो या कुछ भी हो, अल्लाह की तमाम मखलूक के साथ जब रहमत अपने अंदर पैदा कर लेंगे और ये अपना मिजाज बना लेंगे कि हमें भलाइयाँ फैलानी है, तो फिर वो भलाइयाँ आगे बढ़ेंगी और फिर वो दूसरों तक बहुत से वो पैगाम पहुँचाएंगी जो आप ऐसे नहीं पहुँचा सकते। मैं बात यहाँ पर खत्म कर रही हूँ, क्योंकि अल्लामा साहब की जो कुछ बातें थी वो जहन में रहे, वो नमाज की जो प्रैक्टिस जो थोड़ा बहुत बहुत मामूली सी एक झलक आपको अभी दी, उसकी आप अपनी कोशिश करके कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट करें। बाद में इंशाल्लाह अगर आपकी उसमें ड्रिल्स रही और ऑनलाइन आपके प्रोग्राम्स रहे तो उसमें इंशाल्लाह आप सीख सकेंगे और फिर फोकस सीख सकेंगे, वहाँ से ये भी आएगा कि जिंदगी कैसे गुजारनी है और आगे क्या क्या अमल करनी है। अस्सलाम वालेकुम सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब, की बात के बाद गुफ्तगू के बाद कोई चीज बची नहीं कि मैं हजरात के सामने और कुछ वक्त लू। सिर्फ एक अल्लाह के रसूल की जो इंसानों के लिए नफा रसानी का सबब है। सारी बात का खुलासा यही था कि हमको सारी इंसानियत के लिए नफा पहुंचाने वाला बनने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो दुनिया का नफा हो या दीन का नफा हो। और जो कुरान पाक है, उस कुरान पाक को हम जो है पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जब हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे और उसका हक अदा करने की कोशिश करेंगे और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी और इनकलाबी तब्दीली आएगी। किसी शायर ने कहा कि मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए और जिंदा है वो जो मर गया अल्लाह यार के लिए। तो हम सिर्फ अपने लिए न जिए बल्कि सारी इंसानियत के लिए जिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
patient and very disciplined since sitting there. And I'm Jazakallah, man. Let's move on to the hospital. Okay, thank you.